तुमसे फोन पर बात कर करके मेरा इतना दिल चाहता था कि तुम्हें पास से देखूं, तुम्हारे पास बैठ के चाय पीऊं, गपशप करूं। आज मेरी ये हसरत पूरी होगी। तुमने मुझे देख लिया? हाँ। कैसी लगी? तुम मुझे मेरी जिंदगी में आने वाली सब लड़कियों से अच्छी लगी। रियली? ऑब्वियसली। अच्छा एक बात बताओ। हाँ? मैंने तुम्हें देख तो लिया लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह देखना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे। तो ठीक है, तुम अपनी मामा को मेरे घर भेज दो। मामा को नहीं भेज सकता ना, बड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मामा की डेथ हो गई है ना। ओहो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे अब्बा से बात कर लूं? उनकी भी डेथ हो गई है। ओ शिट। तो हाँ, अच्छा एक बात बताओ। हाँ? सारा दिन तुम यहाँ ऑपरेटर की जॉब करती हो। हाँ? फोन कॉल सुन सुन के तंग नहीं आ जाती? तंग तो आ जाती हूँ लेकिन ड्यूटी भी तो करनी है ना। शादी के बाद नो ड्यूटी। शादी के बाद तुम घर पे बैठोगी, कोई फोन कॉल नहीं सुनोगी, सिर्फ मेरी बातें सुनोगी, जली कटी हुई। चलो ठीक है, तो क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम ये है कि आप किसी तरह ऐसा करते हैं ना, मेरे अब्बा जिंदा है, आपकी अम्मी जिंदा है। हाँ। उन दोनों को कहते हैं कि हमारी शादी का कुछ चक्कर चलाएं। ठीक है। ये वेटर को ऑर्डर किया था पता नहीं काम। वेटर है? आई ना जाए, दफा करो, नहीं आता हमारा क्या है, हम जरा क्लोज हो जाते हैं। अबे तुझे तमीज नहीं है? किस बात की? इस तरह कॉफी सर्व करते हैं? इसी तरह देते हैं कॉफी? हाँ? कॉफी हमेशा बदतमीजी से दो। क्यों? गर्म होती है ना, चाय हमेशा तमीज से दो, ठंडी होती है। अब ऐसा कर, जाके चाय ले आ। कहाँ से? तू ऐसा कर, मरी से चाय ले आ, दो कप। मरी से? हाँ, दो चार घंटे तो लगेंगे ना। बहुत अच्छा, फटाफट चाय पी प्लीज। चाय पिए? चाय नहीं है, ये कॉफी लेने के लिए भेजा था, खाली कप उठा के ले आया। इसलिए तो खाली लाया हूँ। अगर कॉफी पीते तो ज्यादा टाइम लेते। अस्सलाम। बहुत खूबसूरत शहर है भाई, बहुत खूबसूरत शहर है। और भाई जान, मेरा ड्यूटी किधर लगा दिया? क्यों, क्या हुआ? इतना सख्त जगह पे ड्यूटी मेरा लग गया जी। तुम्हारा ड्यूटी सख्त है? बहुत सख्त है जी। पपीता खा के ड्यूटी दिया करो, ड्यूटी नरम हो जाते हैं। नरम हो जाएगी भाई जान, बहुत रोना हो गया। तुम क्या हुआ? इतना रोना डाला है, ये जो सात गली वाला बच्चे है यहाँ के शोर मचाता है। क्या कहते हैं, हमने पेंट शर्ट में गीदड़ देख ले। जाओ कस्टमर बैठा भाई, प्लीज जाओ। तुम लोगों को सेंस नहीं है, हम कहाँ फंस गए? एक तरफ कराची, दूसरी तरफ चार सदा। वो आपका मैसेज देखिए जी, ये आप चिंची पे आए, वो चिंची वाला शोर कर रहा, कहते ये किराया दो या वापस जाओ। आप खाइए चिंची। जाओ ना, अभी किराया वसूल हो रहा है, चलो। अच्छा अच्छा, तुम्हें क्या कह रही थी? मैं आपसे ये कह रहा था, अबे जाना, 100 रुपया दिया ना, जाके उधर बैठ। 100 रुपए में जितना बाहर रह सकता था उतना रह गया हूँ मैं, बस अब 100 रुपए से ज्यादा और देने पड़ेंगे अगर बाहर भेजना है तो। अच्छा रिसेप्शन पे कौन है? रिसेप्शन पे? ओ बेटा मैं दूसरा एक सेट, और तुम भी जल्दी से जाओ अंदर, पता नहीं कितने मर्दों की कॉल आ रही है। इधर भी वही काम कर रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ? एक बात बता। हाँ जी। ये कौन बंदे हैं जो इसको फोन करते हैं घड़ी घड़ी? ये तो इनके पास लिस्ट होगी ना जानू। हाँ? ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आपका कैरेक्टर ऐसा है? नहीं तो, ये तो ड्यूटी है। बकवास कर रहा है, अबे चल जा।
एक काम कर जी, कमेटी चौक जा, हाँ जी, वहां से 10 शक्करकोले के गिलास पी और फिर वापस आ 2 घंटे में। ये 500 रुपए लो, हाँ जाओ लाहौर से गन्ने का जूस लेकर आओ। क्यों हमारी बारी पे नहीं उठ रहे? दबा लो, तुम्हें सेंस नहीं है कि दो लोग जब बैठे हो, एक कपल बैठा हो तो डिस्टर्ब नहीं करते उन्हें जाके? भाई अब्बू अम्मी बच्चा, अब्बू अम्मी पागल का बच्चा। कितनी देर हो गई आपको यहाँ बैठे हुए, ये बताइए आप? कितनी देर हुई, अभी सिर्फ 6 घंटे तो हुए हैं यार। 6 घंटे कम होते क्या? हमारे को तो 5 मिनट मिले, 5 मिनट बस, 5 मिनट भाईजान। किस काम के लिए? बर्तन धोने के लिए। बस किसी काम के लिए भी आप फौरन चले जाओ, पता है क्या सेठ साहब आने वाले अभी, समझ गए ना? और मैंने इतना बड़े सख्त आदमी, ये बता दूं मैं आपको, उठो डार्लिंग, इधर नहीं हमारी दाल चलेगी। वैसे मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई है, मैं भी जा रही हूं। ठीक है ठीक है, तो कोई मसला होगा तो मुझे कॉल कर लेना। ओके ओके, अब मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। चलो किसी दिन इसके घर का सामान आ जाए ना, इसको ले जाऊंगा फिर होटल में देखना, अल्लाह माफ करे। यस सर, एक तो ये आदमी हमारे सेठ साहब, दुनिया में किसी का नाम याद नहीं, मेरा नाम याद है, मुबारक वास्ती आ गए, अल्लाह रहम करे। मुबारक वास्ती, मुबारक वास्ती। बात सुनो मुबारक वास्ती जी, ये जी जी क्या कर रहे हो? हाँ क्या है बे? अबे तुम सीधे मुंह मुझसे बात क्यों नहीं करते? किससे? मुझसे। मैं मुसलमान हूँ सर। क्या बकवास कर रहे हो? जी ओके, सीधे मुंह बात क्यों नहीं कर रहे? मैनेजर ने मना किया है, मैनेजर साहब ने कहा है कि जब भी सेठ साहब आए उनसे बदतमीजी से बात करो बस। अबे क्यों उसकी नौकरी के पीछे पड़ गए हो? बात सुन। हाँ जी। तुम्हें मैंने कहा था कि जाकर मेरा कमरा सही करो। कमरा सही कर दिया मैंने, उसमें सरिये वरिये सब लगवा दिए सर। चलो अच्छा भाई, गर्मी का महीना है, गर्मी का महीना और तुमने मेरे कमरे में हीटर लगा दिया। मैंने तो आपकी बचत की है सर। क्यों? मैंने तो एयर कंडीशन के जितने बटन है ना उनमें भी करंट छोड़ दिया। क्यों? ताकि कस्टमर एयर कंडीशन इस्तेमाल ही ना करें, बिल कम आए। वेरी गुड जी, मुझे लगता है मुझे भी तुम वेटर बनाकर ही छोड़ोगे। अबे हीटर छोड़ दिया, सारी रात में सोया, कानों से धुआं निकल रहा था। अच्छा हाँ। मैं तो समझा आपके कमरे में आग लग गई है। शट अप। ओके सर, एक बात बताइए, क्या आप मैनेजर साहब से इतना डरते क्यों हैं? अबे डरता नहीं हूँ, फिर वो मेरे भाई का बेटा है। अच्छा, और मेरा बड़ा भाई जो है मेरा पार्टनर है होटल में। अच्छा अच्छा, 95% उसका शेयर है, 5% मेरा शेयर है होटल में। 5% आपका? यानी कि अगले महीने आप भी ट्रे लेकर घूम रहे होंगे। बकवास कर रहे हो? अच्छा जी, बात सुनो जी, बात सुन। क्या है बे? चलो चल, ऐसे वेटर है सर। चलो खैर खैर यार, खुश इखलाकी से पेश आया करो। अच्छा बात सुन, बैग चल लेगा। अबे जा, पता नहीं, देखो सर ये ऊपर कोई झांक रहा है सर। ओए ए अबला, देख नहीं रहे ये कोई से, ये हमारे मालिक है, कोई कुत्ता नहीं है। टुर्रा चला गया सर। कब्बे सर, कब्बे कब्बे। तुम मेरे साथ तो नहीं हो हैं? कहीं मेरे साथ तो नहीं हो? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमेशा कश्मीरियों के साथ होता हूँ। अच्छा बात सुन जी, मेरे लिए एक जूस ले आओ। जूस ले आओ? हाँ, और बिल जो है ना जी 302 वाला नहीं है? हाँ जी, 302 के खाते में डाल दो। अच्छा बिल 302 के खाते में डालना? हाँ। ओके वेटर, हाँ एक मिनट जी, मेरे जो कपड़े धुल कर आए हैं जी उसका बिल भी 302 के खाते में डाल दो। उसका बिल भी 302 के खाते में? हाँ। वेरी गुड। वेटर वेटर, ओए वेटर, सेठ साहब है जी। ठीक है बात सुनो, हाँ। साहब के लिए जूस लाओ और 2 टिक्के, हाँ। 4 नान, अच्छा मेरे कमरे में पहुंचा दो, हाँ। और उसका बिल जो है ना 302 के खाते में डाल दो। क्यों क्यों क्या क्यों? चलो बचाओ, जो कह रहे हो करो। ओके तो जाओ। अबे कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता। आपका मुंह ही ऐसा है सर। उस्ताद जी, उस्ताद जी, उस्ताद जी, क्या मैंने तुम्हें जूती गढ़नी सिखाई है? आप हमारे उस्ताद है ना जी। उस्ताद कहेगा इसने क्या तुम्हें तबला सिखाया है? क्या मिरासी है क्या वो? नहीं, किस बात का उस्ताद? इसने क्या तुझे वेल्डिंग सिखाई है? कुत्ते ने मारे बताओ ना, किस बात का उस्ताद? ये क्या तेरी मालिश करता है क्या? सेठ साहब कोई कुत्ते का बच्चा नहीं है वो। मैंने कब बोले कि ये आपका बच्चा जी? ओए आ
हालांकि सर ये मुझ पे इल्जाम है, मैं कभी आपके घर आया नहीं हूं। बात सुनो जी, ये तुम मेरी कोई बेइज्जती टाइप नहीं कर रही हो? बस यूं समझ लीजिए सर, आज आपका यूं में बेइज्जती है। उस्ताद जी मेरा मसला भी तो सुनो ना। ओए क्या मसला है? 5 साल से इस होटल में काम कर रहे हैं। हाँ। तनख्वाह वही वाला है, तनख्वाह थोड़ा सा बढ़ा दो ना यार। पहले कितना तनख्वाह है? पहले 5,000 था जी। ठीक है, तुम्हारी 500 कम, तेरी बढ़ गई। हुआ थिंक जी, मेरी 500 क्यों कम सर? उसकी 500 बढ़ाई है ना। चलो ठीक है उस्ताद जी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। बात सुनो जी सर, मैं जो खाऊं पीऊं सब 302 के खाते में डालना। समझ गया सर, जितना भी बिल आना 302 के खाते में। ऐसा एक बंदा होटल में होना चाहिए जिसके खाते में हम अपना बिल डालें ताकि एडजस्टमेंट होती रहे। ठीक है, ठीक है, ओके सर। सुषमा नहीं आई अभी तक? नहीं सर, अभी तक नहीं है, मैंने टाइम तो दिया था लेकिन आई नहीं अभी तक। सुनो जी सर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जी। हेलो, दो कप चाय ले आओ। ले आओ ना, उम्र देखो अपने शौक देखो यार। सर इन बातों को छोड़िए, मैंने सब सेट कर दिया है। वो जो शाम को हमारा वो है कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल जो फूड फेस्टिवल है, उसकी मैंने सब सेटिंग कर दी है, सब तैयारी कर दी है, बिल्कुल परेशान मत होइए। वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो भाई, गेस्ट आएंगे जी, सबसे तमीज से बात करना, प्रोटोकॉल लेना। बाहर से लोग आएंगे, हमारे होटल की रेपुटेशन का मसला है भाई। ठीक है, और आप फिकर मत कीजिए। और पहली दफा कॉन्फ्रेंस है, पहली दफा फूड फेस्टिवल है, तो हमें अपना एक नाम बनाना है, तो इसलिए हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके सर, ठीक है, ओके। दो चाय ले आओ। क्यों ले आओ ना, अब यार जा यार, चल। वेटर, यस यस यस, तुम्हें तो यस करना पड़ता है, इसको तो हम बोल देते चल बे चल। ओए वेटर, देखो मैंने वहाँ पे किचन में उसको बता दिया कि आज कौन कौन सी डिशेस बनेंगी, तुम भी जरा चेक कर लेना। okay. देखो आज कोई भी खराबी नहीं होनी चाहिए। मैंने उसको बोल दिया कि अरबियन अरबी डिश और साउथ अफ्रीका की डिश, अमेरिकन डिश, सारी डिशेस बननी चाहिए। सारी डिशेस तैयार हो जाएंगी इंशाल्लाह, मैं अपने सामने खड़ा होकर तैयार करवाऊंगा जी। हाँ ठीक है, और उसके भी वो भी तुमने सब संभाल लेना। अरे मैं सब संभालूंगा, मैं तो नौकरी ही आपकी वजह से कर रहा हूँ। वो तो मुझे पता है, वरना मेरा दिल थोड़ी चाहता है कि मैं सुबह सुबह उठ के फरंगी देखूं। आपने फरंगी मुझे तो नहीं कहा? नहीं, दूसरा वेटर है उसको कहा, आप पे तो सिर्फ शक किया। अरे इसकी वजह से नौकरी क्यों करते हो? बस इसकी वजह से नौकरी कर रहा हूँ मैं, मर्जी है मेरी। ओ सर, देखिए ना कर रहे हैं, मैं सेट कर लेती हूँ ना, आप क्यों परेशान होते? अच्छा हाँ, तुम्हारी वजह से काम करते हैं? हाँ, और नहीं तो क्या, आप तनख्वाह तो किसी को देते नहीं है। बात है ना सर, जब आप तनख्वाह नहीं देंगे तो वसूल तो करेंगे ना हम। वेटर, यस, क्या बदतमीजी है ये? क्या बकवास कर रहे हैं? अबे जा यार। अच्छा तो सब सेट है ना? सब सेट है, आपने खाने का इंतजाम कर दिया ना? मैंने कर दिया। अच्छा मैं अभी आती हूँ, मैं जरा देख के आ जाऊँ, मैं खुद देख के आ जाऊँ। वो किचन में जो है ना, वो तो मेरे बगैर खाना ही नहीं बनाता कुक जो है ना, जब तक मैं उसके सामने ना खड़ी हो जाऊँ। ये बात बिल्कुल सही है सर, इसके बगैर वो खाना ही नहीं बनाता। क्यों? एक दफा मैंने उसको शक्ल दिखा दी अपनी, उसने कोरमे के अंदर पूरी चीनी डाल दी। इतना बदतमीज आदमी है वो। आपके बगैर खाना क्यों नहीं बनाता वो? सर समझो करे ना। क्या समझू मैं? इधर देखिए सर, कल जो है ना पे डे है, और कल आपने भी नहीं आना है और मैंने भी नहीं आना है। क्यों, आप भूल गए अपने होटल का जो आपने बनाई हुई है? समझ गया समझ गया, हमारा ये असूल है कि तनख्वाह पहली के पहले मिलेगी। हाँ। हम पहली को छुट्टी करेंगे। हाँ। फिर कहेंगे भाई आप पहली अगली पहली को लेना। वेरी गुड, ठीक है। मगर मेरी पे दो चाय ले आओ, मुझे आपके साथ चाय नहीं पीनी है। नहीं, हम दोनों ने पीनी है। मैं चेक करके आती हूँ सारा, और क्योंकि मुझ पे बहुत उनके सामने बार बार चाय का बोल रहे हो। वो चाय वाली फैमिली नहीं है, जूस वाली फैमिली है। और बच्चे क्या हाल है? बच्चे किसको कहा? नहीं ऐसे ही अपने, मैंने सोचा है बस होंगे कभी ना कभी तो बच्चे। अच्छा जी, बात सुनो ध्यान से रहना। ध्यान से हूं सर। अगर कोई शिकायत आई जी, मैं तुम्हें नौकरी से फारिग कर दूंगा, समझ आई? इंशाल्लाह सर, कोई शिकायत नहीं आएगी। कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, सब पे ध्यान रखो। बस सब पे ध्यान है। हाँ सब पे ध्यान। अच्छा ये कप उठा के मुझे दे दो जरा। ये लो यार, बड़ी मेहरबानी।
बोला नहीं आ रहा ऐसे। अच्छा ये भी ठीक हो गया जी। लास्ट लास आप ये रहिए, मैं इसकी छोड़ कर आता हूँ प्लीज। हाँ हाँ ये भी ठीक है। खुदाया ये क्या होटल है, ये क्या मैनेजमेंट है, मुझे मुबारक। गुस्सा मत चढ़ाओ। बस बस बहुत 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 दूर दूर दूर। मुबारकबादी। क्या मुबारकबादी, मुबारकबादी लगा रखी है तुम लोगों ने। सर आप मुझे बताएं प्रॉब्लम क्या है। और ये होटल है। हाँ हाँ होटल है। और ये कैसा होटल है, इससे अच्छा तो पिछला होटल था जिसमें मैं ठहरने लगा था। अमान से ऐसा होटल, साबुन तोलिया फ्री है। और इधर ये भी टेंशन है, इधर क्या 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 तरीका कार है आपका। कसम से कोई निजाम नहीं है आपका, कोई वेटर आपका ठीक नहीं है, कोई मैनेजमेंट आपकी सही नहीं है। सर हुआ क्या है, आप मुझे ये देखें। ये थाल भरा हुआ बिरयानी का मैंने मंगवाया, इतना बड़ा थाल मैं खा गया, आखिरी दाना तक खा गया। और खाते खाते जो सोचता रहा शायद शायद आखिरी दाने तक इसमें से बिरयानी निकल आए। फिर अगर नहीं बिरयानी नहीं थी वो बाद में पता चला ये तो पुलाव है। अब मैं पुलाव के पैसे दूंगा, ये तो आपकी भूल है। मेरी बात आपने सर मेरी बात सुने, आप हमारे कस्टमर हैं। मैं कस्टमर हूं मगर आपका कस्टमर के साथ ये क्या सलूक है सर। ऊपर से मेरे कमरे में जो टीवी है हाँ? उसके ऊपर कोई मियारी फिल्म ही नहीं आ रही। क्या मतलब, बेहया फिल्में लगा रहे हैं आप। कौन सी मुसलमान अच्छा ये फिल्म चल रही है उसमें, उसमें लगाओ कोई HBO डबल MM जे वो दुआत रिया। भाई कोई निजाम होता है, ये कोई बात है। एक बंदा आता है यहाँ रिलैक्स, मैं एक स्टोरी राइटर हूँ, मैं इधर नावल लिखने आया हुआ। जी सर आपको पता है सर नावल लिखे आप। हाँ। आप देखे ना, मगर आपके वेटर तो मुझे जूती पे लिख रहे हैं। वो सर आपको क्या, वो तो मुझे भी जूती पे लिखते हैं। कलमा शहादत। मेरा भी यही ख्याल था आपके बारे में। मेरे बारे में जी हाँ। तो मिलो ना ब्रादर। Thank you. ये हमारे वास्ती हमारे वेटर हैं। ये वेटर हैं। जब मैं तारुफ करा रहा हूँ अपना, आप खामोश खड़े रहो। जी जी ये कौन है, ये क्या है, क्या है ये, क्या बदतमीजी भाई, क्या हो रहा है, क्या हुआ, क्या हुआ, बदतमीजी, क्या हुआ। मेरे साथ बदतमीजी आपने नहीं करनी, मैं कस्टमर हूँ इस होटल का। इधर ऊपर वाले 200 और ऊपर से आप कौन है, आप मैनेजर साहब है। नहीं सर मैं मालिक हूँ। हाँ, मालिक साहब मैं मालिक हूँ। हाँ, करने की क्या बात है, अब है मालिक बस ठीक है। सर मैं मालिक हूँ, आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है, अगर कोई शिकायत हो आप मुझे बताएं, मुझे बताएं। और तो यार तुम्हें बताने आओ ना भाई। भाई ना कहिएगा, मैं शरीफ आदमी हूँ। हाँ। बात कहिए सर, आप बताएं तुझे हुआ क्या है। हाँ, मैं बताता हूँ जी भाईजान, उधर कुछ भी काम नहीं और आपके होटल में बेईमानी हो रही। कैसे बेईमानी, कैसे आपको पता ही नहीं है, बेईमानी हो रही है। मुझे मेरी माँ की कसम बेईमानी हो रही है। कैसे सर, मुझे मेरी माँ की कसम, मेरे पास एक शेरवानी नहीं है। आए मेरे संदूक देख लें, आए मेरा रूम देख लें, 25 शेरवानियों का बिल मेरे ऊपर पड़ा हुआ है। ये कैसे दुलवाई का, दुलवाई 25 शेरवानियां। हाँ दुलवाई। हाँ जी अच्छा अच्छा, लॉन्ड्री वाला बिल लेके आया हुआ। सर हो सकता है आपने धुलवाई हो। हाँ यार मैं कह रहा हूँ मुझे मेरी माँ की कसम, मेरे पास कोई बिरयानी नहीं है, कोई शेरवानी नहीं है, मैंने जूस नहीं पिया, मुझे शुगर है। और ये बार बार बिल लेके आ जाते हैं, आपने मैंगो पिया है। और मैंने कब पिया है यार। सर ये वही, मैं कुप्पी पीता हूँ, मैंगो नहीं पीता। कमरा नंबर 302 है मेरा। 302 ओहो 302 जी। अच्छा अच्छा 302 जी 302। ओए इसकी सारी शिकायतें तो क्या तो सर मेरी बात सुने जी। फिलहाल तो आप ये बिल पे कर देना। हाँ बाद में हम कंपनसेट कर देंगे आपका। हाँ, कैसे कर दूं। और ऊपर से ये आपका वेटर, ये जरा ठीक नहीं है। आपको पता मैंने ऊपर वाला कमरा लिया है, उसमें मैं जरा पुरसकून रहना चाहता हूँ, मैं नावल लिखता हूँ। 4 दिन लगा के अच्छा? मैंने 2 सफे लिखे। हाँ? इस कमबख्त ने आके उस सफे उठाए, उससे मेरा शीशा साफ कर दिया। और बाद में कहते देखे सर मैं कैसा लग रहा हूँ।
सर आप बेफिक्र हैं, इसने आपके दो सीन फाड़ दिए। हाँ जी। ओए, अब तुम इनके लिए तीन सीन लिखोगे। ये क्या लिखेगा, मैं जब लिख रहा होता हूँ ये मुझे चोरी चोरी देख रहा होता है। हाँ, चार दिनों में 200 खत तो मैं इसके लिख चुका हूँ। अम्मा मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, अम्मा मैं आ रहा हूँ, फलाने का क्या हाल है, पता नहीं क्या करता रहता है। मेरे पैसे कौन देगा? कोई भी दे देगा, आप फिक्र ना करें, आपका सारा अरेंजमेंट कर देंगे इंशाल्लाह। तू मेरे कमरे की चादरें क्यों नहीं बदलता? चादर बदलने का फायदा क्यों? आप तो अकेले हैं। हाँ, मैं अकेला जरूर हूँ, मगर मुझे मेरी जोजा की जात मत दिलाए। मैं इधर आया हूँ बस। सर, आपको कंपनसेट करेंगे। हाँ। आपकी खिदमत हमारा फर्ज है। टेंशन ये है, टेंशन ये है, जब मैं नहाता हूँ पीछे से पानी बंद हो जाता है, कौन करता है ये? सर, अल्लाह की कसम, ये क्या करते, क्यों देख रहे मुझे? क्या ये इधर, ये मेरे जरा काम नहीं आता। उस पिछले होटल में रहता था मैं, ऐसे करके कमर बाहर निकालता था, वो हल्के से साबुन लगाता था, लोग नहलाते थे मुझे। इधर ये मुझे साबुन तौलिया देने नहीं आता। साबुन क्या, तुम जैसा सर, इनके जैसा कंजूस कस्टमर कोई नहीं है। क्या कंजूस हूं मैं? खुद नहा रहे होते, मुझे बोलते मेरे कपड़े ले जा, नाली में जो झाग आ रहा है उसमें मेरे कपड़े धोता रहे। तो ठीक है, बचत की बचत है, होटल वाले खुद नहलाते थे मुझे। वो होटल वाले नहलाते थे? हाँ। ओ भाई, पहले वहां पर मुर्दा खाना था। हाँ, मुर्दा। हाँ? वो मुर्दे नहलाते थे, कफन दफन का भी इंतजाम था उस जगह पे। कफन? अरे यार, ऐसा ना करो। क्यों? ये ना करो, मुझे ठहराओ मत। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। हाँ? अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी। आप मेरे एक सवाल का जवाब दें, फिर इसके बाद मैं जा रहा हूँ। जी जी। अगर आप मुझे सियाने आदमी लगते हैं दोनों, मुझे एक बात बताएं कि सड़क पे तीन कीड़ियां जा रही हैं, सड़क पे तीन कीड़ियां जा रही हैं, सेंटर वाली कीड़ी कहती है मेरे आगे भी पांच कीड़ियां, मेरे पीछे भी पांच कीड़ियां, टोटल तीन कीड़ियां, कैसे? सेंटर वाली जो कीड़ी है ना। हाँ। वो अंधी है। पागल बेवकूफ, तुम्हें भी नहीं पता? अबे मैं एक शेर हूँ, चूतियों के बारे में क्यों जान पहचान रखूं? ये भी कोई बात है पागल के पुत्रों, सीधी सी बात है। क्या? सेंटर वाली कीड़ी झूठ बोल रही है। तू भी हमारे एक सवाल का जवाब दे। पूछे, दुनिया में सबसे बड़ा जहाज पानी का? हाँ। कौन सा डूबा? टाइटैनिक। कितने आदमी थे? 1500। 1500 का नाम बता। आप ऐसे ही बताऊं? सर, आप तशरीफ ले जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। और वो किधर है? मैडम पुष्पा। क्यों, पुष्पा नहीं है वो, सुषमा है वो। हाँ, वो सुषमा या पुष्पा, मेरा बस ठीक है। उनको मेरे रूम में भेजे। वो क्यों? उसके लिए मैंने नावल लिखा है, उनके लिए एक सीन लिखा मैंने, उन्हें मेरे कमरे में भेजे। ठीक है, वो जरा आके मेरे साथ डिस्कस कर ले। आगे सर। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं मंगवाऊँ वो ही आना चाहिए। पुलाव मंगाओ तो बिरयानी, बिरयानी मंगाओ तो पुलाव, मेरे लिए पावे मंगाओ, खते। सर, खते मंगवाएं? हाँ जी, खते। ठीक है, खते मंगवा लेंगे, यानी जुबान मंगवाए। हाँ, जुबान। वो जुबान डायरेक्ट तो नहीं आती, उसके लिए बकरा खरीदना पड़ेगा। हम बकरा खरीद कर जुबान आपको दे देंगे। हाँ। तो बकरे का बिल आपको देना होगा। कोई बात नहीं, पैसे की फिक्र ना करो, पैसा बहुत है। अभी 5 लाख मैंने कल बैंक में जमा कराया है, अब बैंक भूल गया हूँ। अच्छा, बात सुनो। एक मिनट सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ। ये पकड़िएगा जरा, वेटर इधर आओ। ये सांप के हाथ में से थाल लो, अंदर रख के आओ। जाओ और 302 वाले के कमरे को जरा सेट कर दो, बड़ी शिकायत आ रही है वहां से, समझ गए ना? कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। सर, गंद इतना डालता है, वो क्या करें इसको? चलो ठीक है, जाओ आप लोग। चलो, कहां से ये होटल का मालिक कौन है ये? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या नहीं हुआ सर? क्या हुआ सर? सर किसको बोला है? आपके सर को बोला है। कैसा, इधर आओ तुम्हें। हाँ जी। क्या हो रहा है ये? क्या हुआ सर? हमने इसलिए इस होटल में ठहरे, हमके क्या हमारी बेइज्जती हुई हमारी? क्या हुआ सर? जुल्म हो रहा है, जुल्म हमारे साथ। क्या हुआ? खुदा ना खास्ता आपके सर पे कोई थूक के तो नहीं भाग गया सर? क्या हुआ? क्या, अरे क्या नहीं हुआ हमारे साथ? मैं ठहरा हूँ 809 में। जी ठीक है जी। मेरे साथ वाला जो कमरा है। हाँ जी। उसमें कौन ठहरा हुआ है? कौन ठहरा है? मुझे बीच का दरवाजा वो बंद करवाओ। क्यों? तुम्हें पता हमारी नई शादी हुई है। अच्छा। हम बातें करते किसी बंदे ने नीचे पैप रखा हुआ है। अच्छा। इसे तमाम कार्रवाई वो सुनता है। और ये जो छोटी वाली नलकी है, ये मेरे बेड पे जो साथ में दीवार है उसमें लगाई हुई है, ये देखो, ये कौन है ये? तो मुझे बताओ मालिक कौन है? एक मिनट, मालिक कौन है? ये मालिक है। मैं अब्दुल मालिक हूँ। हाँ। सर, होटल का मालिक मैं हूँ। अच्छा जी। कितने का तुम्हारा होटल?
कितने का होटल है तुम्हारा? होटल कितने का है? पांच करोड़ का होटल है। पांच करोड़ मेरे बस की बात नहीं है। क्या सर, क्या कितनी? ये 12 लड़की लड़की से मेरी शादी की है, ये क्या सोचेगी पाकिस्तान के बारे में? कितनी मुश्किल से मैं पटा के लेके आया उसको। माय गॉड, मारिए प्लीज, प्लीज मारिए प्लीज। क्या हम तुमको पहले भी मना किया? हमको होटल में नहीं रहना मांगता, तुम हमारा बात नहीं मानना। मौलाना जी, मौलाना जी हाजरा स्टॉप इट, क्या हो गया? बच्ची है यारा? माशाल्लाह बच्ची नहीं है, देखो तो यग्नि मिसाइल। मौलाना हम इनको बोला कि हमको रेस्ट हाउस में रहना मांगता, ये नहीं माना हमको। भाभी आप ऐसा करें, आप मेरे साथ रहें। क्या कह रहे? आप भी नहीं, मेरा मतलब है मैं नहीं नहीं भाभी 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 ब्रदर वाइफ, ब्रदर डेथ, ब्रदर हाजर। क्या कह दिया भाभी? भाभी और जो भी है, आपका होटल का मैनेजमेंट बिल्कुल सही नहीं है। अभी हम अभी कमरे में गए, हमको फोन आया, फोन में बोलता हेलो आई लव यू, आई लव यू, हमको बोला आई लव यू। ओ अगली मुझे नहीं कहने देती ये बात तो। सर आप देखें, आपके हर ज्यादती का हम अजाला करेंगे, आप हमारे कस्टमर है सर। कस्टमर है सर, बेफिक्र हो जाए। मौलाना जी, इस पाइप में से रूम में कॉकरोच जाता है। कॉकरोच इधर से इधर जाता है, इधर से इधर आता है। ये कैसे चला जाता है अंदर? ओहो कैसा मैनेजमेंट है, हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपका जो स्वीपर है, एक दिन में 20 दफा आता है, रूम साफ करता है, बाथरूम साफ करता है, चला जाता है। हम इतना गंदा है? नहीं गंदे हम लोग इतने नहीं, नहीं 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 है गंदे नहीं, नहीं सर नहीं है नहीं सर। एक्सक्यूज मी, आप अंग्रेज हैं? आप अंग्रेज हैं? हम इराक है, हमारे पे कब्जा करो। कुछ नहीं बोलता सर। देखिए आप मेरी बात सुने, आपका रूम नंबर क्या है? रूम नंबर हमारा है 809। 810 में कौन रहता है? 810 में कौन रहता है? कौन रहता है? वही है। कौन रहता है? कौन है? कौन है? कौन है? कितने का है? कितने का है जी रूम? कितने का है रूम? होगा कितने पैसे बता, कितने का है? 6 लाख का है। मेरे बस की बात नहीं है, बुलाओ बंदा चाहिए। कितने में शादी किए तूने अपनी बेगम से? कितने में शादी किए तूने उस औरत से? कितने में? 200 में। मेरे बस की बात नहीं है सर, आप बेफिक्र हो जाए, हम बंदा हाजिर करेंगे। बंदा चाहिए बंदा? 810 वाला कौन है बे? कौन है बंदा? वो एक है बंदा, कस्टमर है, बहुत खतरनाक किस्म का। ये कान में लगा के सुनता कान में। अल्लाह क्या हुआ, क्या हो गया, क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई? भाई मिस्टर हाँ जी, कौन है आप? कौन से रूम में होते हैं? मैं कौन से रूम में हूँ? ये कान पर क्या हो गया? मेरे कान में तकलीफ हो रही है भाईजान। हाँ मैं 810 में हूँ। 810? 810 कान में तकलीफ? नहीं छोड़ूंगा, नहीं यही है, यही बातें सुनता है, यही झांक झांक के देखता है। आप झांक कर देखते हैं? आपको शर्म नहीं आती? एक मौजूद जोड़ा कर ठहरा हुआ है कमरे में है। हेलो हेलो हेलो, क्या मतलब? हेलो भाई, ओ हेलो भाई, क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो आप मेरे साथ? क्या कर रहे हैं आप? झांक कर देखते हो? कौन झांक? सही बात नहीं है, सही बात नहीं है, नोक करके सीधा अंदर चले जाओ। अरे इस ऐसी चीजों को मैं जान के देखूंगा? इंसान के बच्चे बना यार। आप नहीं? हाँ मैं नहीं हूँ, तुम मुझे जानते नहीं हो। अरे बताओ ना इसको, कल तो तुम्हें मैंने सिक्के दिए हैं। सिक्के? हाँ किस चीज के सिक्के? मैं कोई मामूली आदमी हूँ, मेरी अपनी गाड़ियां हैं, मेरी अपनी गाड़ियां हैं। हाँ ये क्या इल्जाम लगा रहा है मुझ पे? ये कह रहा है कि आप पाइप लगाकर इनकी बातें सुनते हैं। तो बस तकफार, ये कान वाला मसला तो मेरा बचपन का है भाईजान। ये तुम्हारा कान का मसला है? हाँ जी। मेरे साथ तुम झूठ बोले क्यों? मैं पूछे ये क्या है, तुम क्या मैं मैच सुन रहा हूँ, 5 आउट हो गए। आदमी आज तो मैच ही नहीं है। वाह भाई, हमने किधर तुम्हें 5 का बोला है? तुम किधर गड़बड़ कर रहे हो इधर? तुमने क्या फसाद डाला है यार? ये मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। तुम इस पे इल्जाम लगा रहे हैं? हाँ।
ठीक लगा रहे भाईजान। ओए चौकीदार प्लीज आप ले जाइए, चलो जाए जाए, आइंदा एहतियात करना। अच्छा सूफी साहब चलो भाई, चलो ठीक है, चलो मार गया भाभी जी, चलो। मौलाना जी, हां जी मौलाना जी, मौलाना जी, मौलाना जी, ये जमात कर रहा है, रूम का मैनेजमेंट सही करें वरना हम ये होटल छोड़ देंगे। नो मार गया, नो मार गया, नो। अबे बात सुन जी, वो सिंगर किधर है? सिंगर वही तो मैं सोच रहा हूँ। अरे वो सारा अरेंजमेंट हो गया, जो सिंगर है हमारे स्टाफ का जिसको हमने हायर किया वैरायटी प्रोग्राम के लिए, वो सिंगर अभी तक क्यों नहीं आया? ओहो सर वो आ गया था, लेकिन आपको मालूम है ना वो कितना सुस्त है, कितना सोता है। वो तो इतना सुस्त है कि दो दफा उसकी शादी के कार्ड छप चुके हैं, मगर वो दोनों दफा अपनी शादी में नहीं गया और दोनों दफा उस लड़की की शादी किसी और से हो गई। इतना सुस्त है तो प्रोग्राम तो सही कर लेगा ना? अरे सर मैं अभी उसे जगा के आ रही हूँ, वो तैयार हो रहा है और आ रहा है। सब सेट है ना? हाँ बिल्कुल सब सेट है, बिल्कुल सब सेटिंग है भाई। दुआ करो कि शाम को सेमिनार में फूड फेस्टिवल में हमारा वैरायटी प्रोग्राम अच्छा हो जाए, हमारी भाई बेजा बेजा हो जाएगी। ओहो सर आप फिक्र ना करें ना, मैं हूँ ना। जी आप दो चाय ले आओ। वेटर वेटर आपसे मेरा बात करने को दिल नहीं करता, दिल करता आप जैसी तरह बात करूंगा। ठीक है क्या बोल रहे हैं? अबे चल यार चल यार। तो इससे बात करो, तुम्हें एहसास नहीं तो समझा लेता तुम्हें। सर मैं तो आपके मशवरे पर अमल कर रहा हूँ जो आपने कहा था। काहे का, मैं हकीम हूँ, काहे का मशवरा? नहीं सर काहे का मेरा मशवरा, सीधा कर दूंगा 5 मिनट के अंदर। हाँ जानते नहीं कौन है? जानता हूँ सर, सेठ साहब। कौन है आप? मैं सेठ साहब, मालिक होटल का। मालिक है आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई छोटी मोटी बात नहीं, आप मालिक है, मालिकों में मालिक है आप जी। बहुत बड़े सेठ है, बहुत बड़ा होटल है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप बेफिक्र हो जाए, आज के सारे इंतजाम मैंने संभाल लिया। बहुत अच्छे, मैंने किया सारे इंतजाम, आप क्रेडिट अपना नहीं ले सकते। मैंने किया सारे इंतजाम, तुमने क्या किया? लो सब मैंने सेटअप किया है सारा, भाभी किचन में उसको कुक को सारे खाने बता के आई हूं, वो मैं बता के आई हूं। कौन बता गया? मैं। मेरे से ज्यादा बदतमीजी ना करना बता रहा ना, मुझे समझना कि मैं तुम्हारा शौहर हूं, समझ गई ना? हां मेरे साथ ये ना करना कि मुझे ना देखना इस तरह, बस प्लीज बस रहने दो, मैं नहीं सेट होने वाला, बस चाहे सर हो चाहे कोई भी हो, मुझे इस तरह देख के तुम फंसा नहीं सकते, बस कह देना नहीं, बस नहीं नहीं पता सकती। खुदा की कसम तू एडी चोरी तो जोर लगा लो, लो मेरा हाथ पकड़ो, अगर मुझे असर पकड़ो पकड़ो, जाओ जाओ खुदा क्या सर रख लो, लो रख लो रख लो, तू बात है तू बात है तू बात है। वह नहीं होता ये असर वजर इन बातों का ना, मैं इन बातों को समझता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने अल्लाह का शुक्र है बहुत प्यारा आदमी हूँ, बहुत सेटिंग वाला आदमी हूँ, मैं शरीफ आदमी हूँ शरीफ। ये मोमबत्तियाँ अंधेरे में जलती हैं, शामिल किया। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, आपका भी जवाब नहीं है, आप जैसा मैंने सेठ नहीं देखा, 2 महीने हो गए तनख्वाह ही नहीं मिली हमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप पहली को आते ही नहीं है तनख्वाह लेने? आप पहली को तनख्वाह लेना, आप लोग पहली को होते नहीं है, हर पहली को ढूंढता हूँ मैं आपको। अगली पहली तो आ जाया करें। हाँ सर आप ऐसा कीजिए, आप जाइए और अपना काम संभालिए। और आप भी अपना काम संभालिए। आप अपना काम कब संभालेंगे? मुझे लगा कब वो दिन आएगा जब आप काम संभालेंगे। कौन सा काम? वो काम जो एक औरत का काम है, जो घर को संभालती है, जो बच्चों को संभालती है, जो शौहर को संभालती है, आप कब संभालेंगी? लोगों को कहती है अपना काम संभाले, खुद भी तो अपना काम संभालो, कोई कब तक अपने दिल को संभाले? आप अपने आप को संभालती नहीं, अपने आप को संभालने के लिए किसी संभालने वाले को रखे, कोई संभालने वाला है आपको संभाले, आप मुझे संभाले, यही तो संभालना है। सर आज के वैरायटी प्रोग्राम को आप कैंसिल कर दीजिए, आप ये एंट्री नहीं करेगा।
कैसे? ओहो बात सर, आप मेरा मेरा होटल है सर, मेरा होटल तबाह हो जाएगा। होटल है ठीक है, आप जाए दो सेवन अप लेकर। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, ये क्या है? नेपाल के बादशाह की टोपी है, क्या है ये? क्या है ये? किसने रखी है? छोटी स्टीमर है, कौन है वो? अच्छा ओके ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। आज का ग्रेजुएशन प्रोग्राम नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? बस मैंने कह दिया। तुमने कह दिया तो क्या हुआ? तुम्हें तो उस दिन मुझसे ये भी कहा था कि मैं तुम्हारे पास नहीं बैठूंगी, तुम तो आज मेरे पास बैठी हो। नहीं बैठूंगी। तुम्हें तुम्हारे बाप की कसम मेरे पास ना बैठना। नहीं बैठूंगी। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम मेरे पास ना बैठना। नहीं बैठूंगी। किसी तेज लड़की है, बड़ी तेज है ये। हाँ हाँ बहुत तेज है सर। हाँ मैंने भी ट्राई की थी, बहुत तेज है। बैठे एक दिन बात करते। कहाँ गई माँ की कसमें, बाप की कसमें, कहाँ गई? कहाँ गई? हया से चेहरा सुर्ख हो गया। सर आज का ब्राइडल प्रोग्राम या तो नहीं होगा या आप आर्टिस्ट चेंज करें। कैसी बातें करें, अगर प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो गेस्ट आएंगे बाहर से, हम क्या मुंह दिखाएंगे? होटल की रेपुटेशन का सवाल है। नहीं सर आप नहीं जाएंगे। सर सर इस वक्त सर कहेंगे वक्त पे गधे को भी बाप बनाना। हाँ वही कर रहा है मेरे साथ, मुझे गधा समझ रहे। नहीं सर नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मैं टैलेंटेड फनकार हूँ। हाँ। मैं बड़े बड़े शोज करता हूँ। आपके होटल की ये गुड लक है कि मैं आपके होटल में जॉब कर रहा हूँ जनाब। फ्री में नहीं कह रहा, पेमेंट मिलती है इसकी आपको? पेमेंट लेनी पड़ती है, माँ का और बाप का एक्सरे दिखाना पड़ता है जब ये पैसे देते तनख्वाह देते। आपको इस दफा हर पहले की तरह तनख्वाह मिलेगी। हर पहली की तरह? कभी नहीं दी तुम्हें? कब दिए? मैं तो होटल के बर्तन बेच बेच के गुजारा कर रहा हूँ। सर मैं तो जाती हूँ और मैं देख के आती हूँ कि वो सारे वो गेस्ट हमारे चेक इन हो गए कि नहीं। गेस्ट का कितना ख्याल है आपको? नहीं ख्याल तो दिल के इस मेहमान का ख्याल नहीं आपको? नहीं मैं होटल में जॉब करती हूँ। तुम मेरे हो, आज तुम्हारे लिखा रहा हूँ। अच्छा। तुम मेरे प्यार हो, आहा, तुम मेरी जिंदगी, आहा, मेरी बंदगी, ओहो, तुम लोग कौन हो? थोड़ा सा टाइम दो, फिर देखो टाइम का क्या भरोसा। सर देखिए आज का आइटम बनाया मैंने। अच्छा अच्छा मैम आप एक काम कीजिए, मेरा कमरा वमरा सही करा दीजिए और उनको बोलिए। आपका कमरा सही कराने नहीं जा रही, मैं एक गेस्ट को देखने जा रही हूँ कि वो आ गए कि नहीं। जाए आप देखेंगे जाएंगे, प्लीज जाए जाए गेस्ट ही देख, आप गेस्ट ही देखो, जाओ जल्दी करो, जाते हो गेस्ट देखो जल्दी करो भाई, हमारे सिंगर के लिए जूस लेकर आओ। हाँ जी, और चाय लेकर आओ, खाना लेकर आओ, और बिल 302 के खाते में डाल दो। हाँ 300 मेरे कपड़े धुल के आ गए। बिल्कुल आ गए सर। है वो मेरी जितनी टेलीफोन कॉल है ना 302 में डालो। ठीक है सर। 302 वाला इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है 2-1 महीने के बाद इस होटल में वेटर होगा। ठीक है। अच्छा भाई आपके सारे इंतजाम मुकम्मल है? सारे एवरीथिंग इज कम्प्लीट। सर हमारे गेस्ट आ चुके हैं और जो है ना बहुत सारे गेस्ट हैं। अच्छा? सारे मुल्कों से गेस्ट आए सर। आज के इस मैंने प्रोग्राम के लिए खास तौर पे चीजें तैयार की हैं। अच्छा सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं जनाब आपके होटल के अंदर। बहुत बड़ा यानी के बहुत बड़ा एजाज है आपके होटल का यानी के। बिल्कुल हमारा होटल। प्लीज कोई चीप हरकत मत कीजिए। चीप हरकत मैंने कभी की है क्या? तुम उस दिन मेरे साथ फिल्म देखने गई? नहीं नहीं व्हाई नॉट, बिल्कुल कल मिलेंगे। तुम ऐसा क्यों नहीं करते सब? मैं बैठी हूं होटल, प्लीज आ जाओ ना। हाँ चले आप लोग अपना काम करें चले। पानी प्लीज। पानी ले आ भाई, पानी ले आ। सूफी ओ सूफी जी, जी पानी पकड़ पानी। अच्छा सर आप मालिक हैं होटल के? मुझे याद कराया करो मैं मालिक हूँ। एक्सक्यूज मी ओके 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 यस प्लीज एक्सक्यूज मी। और मेरा कमाल देखो आज का नया आइटम क्या? आग में जो छुरी निकाल दूं छुरी नहीं फंसती। हेलो New item, new. This is something new. You want to do new item? Yes, why not? आप कौन है, कहाँ से आई है और हमारे होटल में? मैंने आपको आज पहले दफा देखा, तो मुझे भी 1 महीना ही हुआ है। नहीं नहीं आपने मुझे पहली दफा देखा, वैसे मैं आती जाती रहती हूँ। आती और जाती भी रहती हैं आप, मुझे ऐसी औरतें बहुत बुरी लगती हैं जो आती हैं फिर चली भी जाती हैं। मैं चाहता हूँ औरतें आए तो कभी जाए ना। आपके पास इतना बड़ा घर है कि वो आए तो जाए ना? हाँ मेरे पास बहुत बड़ा घर है। यह नया आइटम है। ये क्या? अल्लाह खैर अल्लाह खैर अल्लाह खैर क्या अल्लाह खैर? बस जब मैं ऐसे करूं मैडम
आप ये निकाल लीजिएगा। मुंह गिरा। मैंने आपको आप यहाँ बैठे मैंने आपको इनवाइट किया। ये हमारा होटल है, हम आपकी खिदमत के लिए आए हैं। ये होटल के मालिक है। ये कौन है? ये पता नहीं कौन है। वैसे असल नाम तो छोड़े जी, मैं वैसे आंटी ऑक्सीजन के नाम से मशहूर। ऑक्सीजन जी, ये मेरा सिंबॉलिक नेम। तो नहीं ऑक्सीजन, तो आप हमारे होटल में क्या कर रही हैं भाई? समझा करें सर। और सर आप पहचाने नहीं है? नहीं। मैं पागल उस तरह के बैठ गया हूँ। क्यों? आंटी बड़ी मशहूर आइटम है। अच्छा, होटलों में ऑक्सीजन सप्लाई करती है। ऑक्सीजन समझते हैं आप? जिंदगी। अच्छा जिंदगी, लेकिन भाई हमारे होटल में जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की। बहुत जरूरत है जी, आपके होटल में जरूरत पड़ती है। तो ये सिलेंडर के हिसाब से बेचती है? What do you mean? वो सिलेंडर है, इनके पास काफी सिलेंडर है। हाँ जी। ये सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन देती है। ठीक है, आपको हमने कभी देखा नहीं। वैसे ये होटल के मालिक है। अच्छा अच्छा, आप जब भी आप कभी सिलेंडर लाए जी जी, पहले इनको दिखा दें। आप मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिएगा ना प्लीज। जी मैं ले लेता हूँ। मोबाइल नंबर लिखवाइए ताकि और लोगों तक भी पहुंच जाए। जी जी। व्हाट अ ब्यूटी। कौन है? हाय है नहीं। बस आंटी, ये बड़े अच्छे घराने की बच्ची बैठे। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है मेरी तारीफ कर रही है? तो ये अपने रजिस्टर में लिख लेंगे एक और सिलेंडर फिर। और मुझे यकीन है ये मेरा गोल्डन सिलेंडर हो। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज मेरी सालगिरह थी आंटी। एक्सक्यूज मी, यस, ये आपके सिलेंडर्स का स्टोर कहाँ है? देखिए जी, ये लोकल सिलेंडर पे तो मैं बिलीव ही नहीं करती हूँ। ये तो सारा ऑक्सीजन बाहर से आता है। जी जी, मुझे लोकल सिलेंडर पे बिल्कुल भरोसा नहीं है जी, वो रिकंडीशन भेज देते हैं। मैं रशिया से मंगवाती हूँ। रशिया स्पेशलिस्ट है। अच्छा, तुम भी सिलेंडर मंगवाते हो? नहीं, मैं CNG इस्तेमाल करता हूँ। एक्सक्यूज मी, अगर कभी LPG की जरूरत पड़े तो मेरी दुकान पे आइएगा। हाँ मैडम, आपकी डेट ऑफ डेथ क्या है? आप क्यों इंटरेस्टेड है मेरी डेट ऑफ डेथ में? मैं शरीक हूँ, मैं देखना चाहता हूँ आखिरत क्या होती है आप लोगों की। तुम तो वो सिंगर नहीं हो जो मेरे इवेंट्स अरेंज करते हो? सिंगर प्रिंस मेरा नाम है। ओह यस, प्रिंस। Mr. Prince. Hi, how are you? I'm fine, very well. She's our banquet manager, Shishuma. Oh, beautiful. And inke piche hai Mr. Waiter. Oh. Aur bas. Ye hamare malik hain, Shamsi sahab. Shamsi. Badi khushi hui aap logon se milke. Actually, ladki maine tumhe pehle nahi dekha. Ye shayad nahi dining hall mein pehli dafa. Aap pehli dafa aayi hongi. Ye kaafi arse se yahan job kar rahi. अच्छा। ये इतनी सी बच्ची थी यहाँ। अच्छा। पे पानी पीने आई थी, सरकार के अबूजी ने नौकर रख लिया। नाइस नाइस। आप बैठना, क्या लेंगे आप? मेरा ख्याल है कोई कोल्ड ड्रिंक हो जाए। हाँ जी, फ्रेश लाइम प्लीज। फ्रेश लाइम? फ्रेश लाइम हमारे पास फ्रेश लाइम है। यस, प्लीज टू फ्रेश लाइम। ओके, विद आइस एंड टू मिनरल वाटर एंड टू टी टू कॉफी। ओके, एक्सक्यूज मी, टू किल यू। प्रिंस खड़ा हुआ, बात कराए ना। क्यों आप मेरे कारोबार के बीच में दखल दे रहे हैं? अच्छा, कारोबार कर रही हैं। नहीं नहीं, वो ऑर्डर रहने दीजिएगा प्लीज, मेरी इमरजेंसी कॉल आ गई। एक्सक्यूज मी आंटी, आप आएंगे? हाँ जी, हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त किस्म का शाम को। एक मिनट जी जी जी। हेलो आंटी से मैं बात कर रहा हूँ, तुम बंद कर दो। हेलो, बंद कर दो। हाँ मैं ये कह रहा था, मैं खुद ही मैनेज कर लेता हूँ, मेरे को कोई जरूरत नहीं किसी की, मैं खुद ही कर लेता हूँ।
आप आंटी आइएगा शाम में, बहुत जबरदस्त रात के अंदर यहाँ पे डिनर है और उसमें तमाम लोगों के साथ इवन इवनिंग कर रहे हैं। रियली रियली ओह माय गॉड, मैं जरूर आऊंगी। ओके, और एक काम और साहब की तरफ से मैं आपको बता दूं, आंदा जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर है आप रूम सर्विस की लिफ्ट से लेके आए। क्यों? ये अच्छा नहीं लगता कस्टमर के साथ। ये क्या बात हुई, ये क्या? खैर मैं इस बात पे बाद में गौर करूंगी। हनी तो मेरा मोबाइल नंबर लिख लो ना प्लीज, कोई प्रॉब्लम हो कोई मुश्किल। हनी यही नजर आ रही, हनी ये नजर नहीं आ रहा केवड़ा। हनी हनी ये पता नहीं हम तुम नहीं है। माय गॉड प्लीज, तुम्हें क्या हो गया है? आप इतनी पुरानी जानने वाली हैं फिर भी आप ऐसी बातें कर रही हैं? तुमसे मैं आइंदा कोई फंक्शन अरेंज नहीं करवाऊंगी। यू नो मेरे घर पे बात कर रहा, मेरे घर पे बात कर रहा। शट अप। ओके बाय, मैं आऊंगी आपके फंक्शन। प्लीज थैंक यू थैंक यू आंटी। आप आंटी आप जाएं, बच्चे रो रहे हैं, आप जाएं। चले ये अच्छा। तुमने ये टेबल खराब की ना तो अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं टेबल बिल्कुल ठीक है, आप इसको इस तरीके से ना, मैं आपको बता दूं इसका तरीका क्या है। ये पकड़िए आप, ये रुमाल देखिए, ये देखिए, इसको यहाँ रखिए, हाथ यहाँ रखिए, इसको यूँ रखिए, इसके ऊपर इसको यूँ रखिए, इसमें से हाथ निकाल लीजिए, ये देखिए। सर ये होटल आपका है और हम देखिए कितनी मेहनत करते हैं इस होटल में। कैसी ये मेहनत ही नहीं, हमारी एफर्ट नहीं है, ये टीम वर्क है भाई। हमारे होटल की इज्जत का सवाल है। क्या इज्जत का क्या सवाल है? होटल का दुपट्टा कोई ले गया? भाई फूड मैडम, वैसे मैं देख रहा था फूड फेस्टिवल है ना, तो हम सबको मिलजुल कर काम करना होगा। सर आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह मैं यहाँ आ गया हूँ, आप बेफिक्र हो गए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैम आप जाकर के गेस्टों को देखिए, चेक इन होगा तो बताइए। उसके बाद लाला उस्ताद जी बड़ा मसला बन गया, उस्ताद जी बड़ा मसला बन गया। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे उस्ताद ना करो, हमने तुझे वेल्डिंग सिखाई है, आए उस्ताद हम लोग, मैं सिंगर हूँ, ये मालिक है। मसला वो बड़ा अजीबा अजीबा कस्टमर इधर होटल में ठहरा हुआ है। अजीबा 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 कपड़े पहने हुए हैं। अच्छा ठीक है, कर लेंगे। वो मुझको परमेश करते, वेटर को बोलो एक मुझको बुला के कहते हैं कि चावल के ऊपर शैम्पू डाल के ले आओ। ओहो यार तुम ऐसी बातें मत करो, ध्यान लगे चावल पे शैम्पू कौन करता भाई? वो इधर आ रहे हैं ना जी, आ जाएंगे, मैं कर लूंगा उनसे बात। आप जाओ और यहाँ पे वो मेरे मेरे वो ड्रम वाला तबले वाला आएगा, उसको बुला लेना। चलो ठीक है, रिदम वाले को बुला लेना। सर मैंने यार अपने दोस्त सिंगर को भी बुला लिया। अच्छा मैंने कह रहा साहब, हां यस, हमारे क्या सारा शुरू हो गया और इसमें खाना आप प्लेटेस को कर दे, इसमें खाना लग गया होगा आपको। खाने आप खाने का क्यों फिक्र कर रहे हैं? मैं हूं ना, वो खाना ही खाने आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं, लग जाएगा खाना। चलिए ठीक है, वो आ रहे हैं। हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, हबीबी हबीबी المقصود الشرية التقاضى عشي ضروري ملاقات هذا هذا مخالف الإسلام. والله والله سنسار سنسار هو أبي تعريف كر رہا ہے बोल रहा मैं हज पे जाऊंगा, मैं शैतान को नहीं इनको कंकरिया मारूंगा। सर आपका मुकाम शैतान से भी बुलंद होगा, ये किसी किसी को नसीब होता है। आप जैसे लोग तो हज पे जाए तो शैतान आपके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगा लेता है। ये भाईजान आए हैं, भाईजान आए हैं, भाईजान आए या हबीबी या हबीबी या हबीबी इंट्रोडक्शन है अंता सुल्तान राय की फिल्म काल का, ये है होटल का माल का। हाँ समझा तुम, कफील उन जलील उन। ना माफी अल्लाह, मैं तफसील से बताता हूँ। अन्ना आप समझे ना, हाजा दौरान मुजरा छापा गिरफ्तारिया थाना मुंह पे कालक होटल का मालक। नहीं, मैं
मैं अपना तारुफ खुद कराता हूँ। अना हाजतुल हाजी शेख उल शखाली आप तो खबा शेख उल शखाली अंता बंगाली ना माफी है शेख उल मुश्तबाल शकूक शुबाहत वलायना हाजा मलबारी 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 पहले तेरा बारी फिर मेरा बारी बराबर में दरवाजा फिर बारी फिर मलबारी समझदार हूँ या शेख समझदार हूँ बिल मुशाफा मुलाकात उन प्लीज उन प्लीज उन बावजूद थरकुन शदीद उन शेख प्लीज हैव अ सीट उन होटल बाई से इफ्तिखार मामून हाजी इफ्तिखार मामून किश्वरुन अम्मीन हाजा वाले हाजा अले इताम कयाम कोई तकलीफ والله راجب الرازي راجب الرازي راجب الرازي وفور الله وحاجة ولا بالراجب الرازي ولا الرازي أنا ما أتخليها خلي بحوله أنا يقدر بعد هنا والله يا بيشان لي ترى بهاي شوكة كسينة كبي شكتون سر بليز إيزي أنا هوتلون आराम से रोला ना पाया तो नहीं आया शेख हाजा कयामुल तयाम उम्दा खाना बेहतरीन रेस्टोरेंट उन अलाब रिस्कुल फरामी उल बेतहाशा अल पानी उल हर किस्म का पानी उल बेतहाशा अलाब रक्स सरूर महफिल कैफियत करूर अलवात बल हुस्न गरूर बेतहाशा अन हियाल तकीम उल वईब उल कयाम उल वाजिब उल सैर सपाटा बेतहाशा وانيت البجات البيت هاشا الاربي والبيت هاشا سر مبا ما دیکھ کیا اور گیس کھائے کہ نہیں ہاں والله 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 حمشيره دون واو صدقے تن پہچانا تن حمشيره تن وٹ سٹ رواجن पांच भाइयों तैयार गेस्टन गेस्टन वल्ला वल्ला यार हुई थी अरे बड़ी आसान अरबी होगी भाई सुभान मतलब कोई दिक्कत ही नहीं हो रही ये अरबी में ये मजा आया है और भी गेस्ट आया मैं रिसीव कर लेता हूं इंसान मिल गया जो हर एक की जबान जानता रे बात करने में यही तो एक चीज को रखा रे हमारी इज्जत रहेगी होटल की हाँ यही तो बात है रे निहा सिंखो का चिंखो पका हो पा हा सुंगो या नाम यूं जी के हां पको जान हूं का सागे नु नु आमी जाया पकी तो मैं है ना ओ या जागो पिंगा दावा मामिया
ये बोला है कि मैं आ गया हूँ, पाकिस्तान में पहली दफा आया हूँ। अच्छा। ये जापान से आया। व्हाट इज योर नेम? जो नामा जो पी आमा रखा वो नामा हा यामा हा चिंग छे यामा हा ये चलो यामा हा पंगो चिंगा सुजुकी अंगा चिंगा मस्ता 120 सिंपो का ना छोटा खोनू ला ना वहाँ बको बोल रहे कि ये यहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं ये कौन है? तारुफ कराओ। हाँ तारुफ कराओ। मिंग सोई चोयू ये होटल के मालिक हैं। चोयू मालिक को कहते हैं। इतना छोटा? हाँ होटल के मालिक मंदु हो चिंगे चोयू मालिक सिंग भंग ओत्रे का पुत्र यार बोल रहा मैं यहाँ आया हूँ। मुझे लोगों ने पंजाबी और उर्दू सिखाई है। अच्छा। मुझे वो पिछले टैक्सी वाला कहता था ओतरे दा पुत्र। यार हमारे लोग भी क्या है खुदा की कसम यार। सिंह को मैं तेरी बहन नु चुके ले जाऊंगा। यार वो मेरे को रोज कहते हैं होटल वाले क्या कि मैं तेरी बहन को चुपके ले जाऊंगा। ये हमारे लोगों ने इसको क्या सीखा? हमारे लोग भी अल्लाह माफ करे तो भाई पाकिस्तानी बहुत आगे कौम है कसम। इनका ऐलान हो गया जापान में क्या कि सब पाकिस्तानी निकल जाए। क्यों? अबे इन्होंने वहां पे दो नंबर जापानी बना लिए है। जापानी बोल पंजाबी रहे पंजाबी बोल रहे हैं कौन तो चीजें के माने भाई जब फोन आया पियो गांव की बीमार ने चंगा समझा नहीं पाएगा। आखे छोपा का सिंखो एक तो ढेर लाया हुआ ही इज आर वेरी रिस्पेक्टेबल गेस्ट ही केम फ्रॉम बहरीन। ओ गेस्ट शेख लुतुफी अल नान बल बनान हनान वांट सिंखो वर्ड तला दंग नॉर्थ तलागांग ओम सॉन्ग ये पिकन आप हम ओम चिकटा कुदूम चिकटा इन्ना लो आई दुम ऐसा जिन सॉन्ग जंपोया हल्ले हल्ले लाने तुल बेशमार हाँ तो खोम खोदरे हो समाहा ने वो बोले कि जो तुम कह रहे हो मेरी तरफ से भी कबूल करो वरना ना लगे रहते ये नमः वरसी बोलो आया मनिया अन्य ये लोग आये अरबी में लतीफा सुना है सर मैं सारी जबाने जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। सिंह हम ग्रोलना मिंगसी के जंगो पिंगे आई मो उनकी इंजन सागबा खेतों को खाने वाला कीड़ा मिंगसा याओ मिंगसा यो इनाया मेरे मार हनी आया सोंगो सीखा पाऊंगो आई लाभ हो ना माँ सिंह हम चुंगी परे खरां सिंकों नो पाया पिंगे ना पाकिस्तान गहरा तुम संभालों तमुन हो पिया सिंकों थोड़ा जुन मासा हूँ खैर हूँ। इसको क्या क्या सिखा दिया हमारे लोगों ने? अब वो बोला जरा से इधर हो गया लड़की को मिलना। यार ये हमारे आदमी है ये ठरकियों ने किसने सिखाया इसको? ये जापानी को भाई इतना कहाँ टाइम है बेचारों के पास? ये तो मोहब्बत भी नहीं करते, ये तो डायरेक्ट शादी करते हैं लोग। हमारे यहाँ ना पहले मोहब्बत फिर शादी। हम पियो सिंगो पियो बचो वाओ नायो सिंगो चकमाना अंगो पीती चका कोमन जीता करबो उरलो अरे बोला चाबी लो दरवाजा खोलो अंदर जाओ आराम करो। शुक्र है तुम हो नहीं तो पता नहीं हमारा क्या हालत होता है। वल्ले वल्ले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सिंह खान ये भी हमारे किसी आदमी ने सिखाया। इनके पास इतना टाइम ही नहीं है यार। सही बात। ये हमारे लोगों के काम है जो इनको आ रहे हैं। हम यो संगाया अभी नो आका योरो नी सकी आपको रेंगी ना सिंखों सिंखों सिंगो अरबी तंग फंग तंग फंग तंग फंग अंग हो
यार जापान के लोग बड़े दिलचस्प है खुदाई के साथ। अच्छा अच्छा ये रफीक और इंतजाम रिस्कुन रिस्कुन कसीरुन कसीरुन एंड गंदुमुन बोरियुन मुंह खोलुन गुड़पुन सिंगफोंग गुड़पुन गुड़पुन मांगो तांगिया मांगो तांगिया हमारे और गेस्ट भी आ रहे हैं। आप जितने भी गेस्ट हैं लाइन सबको मैं नो प्रॉब्लम है। आप घबराएंगे नो प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम वेयर फ्रॉम यू आर बांग्लादेश इंशाल्लाह अब तुम्हारा रोटी भी हजम हो जाएगा। रोटी रोटी नहीं समझता है बात। इधर को बंगाली सामने वाला है एनीबॉडी अरे हम जानते हैं हट जाएगा पीछे हट जाएगा बोलेगा भाई साहब हम बंगाली है। अरे हम बंगाली हमारा बाप भी बंगाली हमारा अम्मा भी बंगाली हम जापान में पैदा हुआ है। नहीं हो क्या बोल क्या रहा है वो बोले मेरे अस्पताल में हुआ ही। आदि फरमाएगा तुम बंगाली है तो इधर क्यों कर रहा है। हम इधर नौकरी कर रहा है भाईजान। नौकरी कर रहे है कि अपना देश का सारा नाम बदनाम कर रहा है। अरे अपने देश के अंदर तो हम अपना नाम बड़ा करके आया है। हम उधर बोल के आया है कि बांग्लादेश का सफीर पाकिस्तान जा रहा है इधर हम नौकरी कर रहा है। तुम बंगाली है तो तुम तुम्हारा बोल किधर है। ये उड़ गया है उड़ गया है। ये कौन है अभी हम तुमको बता रहा है ये हमारा जोरू है। अरे भाभी है जोरू जोरू ये हमारा जोरू है वो लोगोई नहीं होते लोगोई। अच्छा अच्छा वो अच्छा ओ छिंग छोंग पिंग होंग होंग भाई बहन की भाई अभिषेक बर्रा बगानी बर्रा बगानी तशरीफ उन रखतुन जोजतुन या शेख अना सलूक हुस्न सलूक अल मुसलमान या ब्रदर 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 वल्ला ब्रदर ब्रदर वल्ला ब्रदर मुस्लिमीन अल ब्रदर हाजा ब्रदर अल वाजा ब्रदर अल ज़ौजा अल ब्रदर अल वफात अल भाभी अल निकात अल वल्ला खली बल्ले बल्ले बोला यारा आप प्लीज आप मेरे साथ हैं उतर उतरेगा भाभी आप ठीक है जी जी हां जी जी बिफोर यू पीटीवी चौकीदार क्या खाएगा आना भोत में क्या लेगा भोत में जो मर्जी ले हो जो मर्जी दो प्लेट जो मर्जी दो प्लेट जो मर्जी जो दो प्लेट अलग मर्जी चार प्लेट अपनी हमारा डायरेक्टर आओ वो बात क्यों नहीं समझते मैं होटल का मालिक हूँ ना वो ये हो तो तुम मालिक है होटल का मालिक है मैं लोग हूँ तुम मालिक है। हाँ सोकोल से लोग तो नहीं है सोकोल से तो तुम भी कुछ नहीं लग रहा है उसका शकल तुमसे बहुत अच्छा है। भाभी जी आप क्या खाएगा मछली 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 मैं भी पकड़ के लाता हूँ बराबर में गंदा नाला नई नाला नई नाला से लेके आता मैं ठीक है। हमारे और भी गेस्ट आ रहे हैं तो आ रहे हैं तो तुम इतनी बोर क्यों हंस के लाओ ना होटल चलाना है हमें हमारे और भी गेस्ट तुम्हारा कुछ खर्चा हो रहा है क्या सर समझा लीजिए गेस्ट बैठे हुए हैं गेस्ट अरबी उन प्यार उन मोहब्बत उन बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह
बोला क्या इन्होंने? मैं बोल दिया तो इशारे मेरा गलत गलत मैं मार रही वो नहीं समझ रहे हमारी उर्दू, जो मर्जी बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम काहे के लिए डर रहे हो? उनको आती समझ? अच्छा जाहिल करैक्टर नहीं समझते। मैं मालिक हूँ। नहीं हाँ बोलो साहब, ये नहीं हाँ वो जो ना ये पाकिस्तान जो हम ये जापानी दोस्ती खराब होंगे। हाँ लोग आया हुआ है। आओ या या, how are you? I'm fine. How are you? We are fine. My name is Prince and I'm a singer. Oh, nice to meet you. Entertainer. Okay, nice to meet you. Hello. He is a hotel owner and he's our waiter. I'm sorry, something wrong. He's waiter and he is our owner. Okay. He's an owner. He's a waiter. Yes. Can you speak in little Urdu? Yes, थोड़ा थोड़ा बोलता है। थोड़ा थोड़ा तो सारा ही बोलते हैं। आप कौन सा शहर से आया है? हम न्यूयॉर्क से आया है। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क का मेरे बाबा वहां गया था। Really? हाँ। कितना अच्छा शहर है ना? बहुत अच्छा है। तुमने वहाँ एंजॉय किया? नहीं। क्यों? हम दूसरे दिन ही पकड़ा गया था। लेकिन ये क्या कहता है? ये बोल रहा है वेलकम वेलकम फ्रॉम जापान। नागासाकी हिरोशिमा बम ग्रुप ग्रुप। सॉरी ओ संगो नो संगो नो संगो यहां का ये इसी कहीं बैठे हैं होटल में, चलो माहौल खराब क्यों था? संगो भागा माहौल खराब क्यों हो सी ना सुन आने ना नासा फागे तो आज संगो तो तुम भागा नासा 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 होंगो रॉकेट रवानो नासा। ओ सिंगो पा सिंगो पा सिंगो पा। जापानियों जापान जापानियों एसी बनाया हो खुद हाथ वाला पका चला हो। सवाल उन लजीजा या खबीसा लजीजा अमा आवेर ये काबिल एहतराम। और प्लीज आप सिप विदाम। हाँ आपको सफर के दौरान में कोई तकलीफ तो नहीं हुआ? नो नो कोई ऐसा खास तकलीफ नहीं हुआ। एयरलाइन में किससे आया? हम PIA से आया है। ओ PIA हमारा एयरलाइन पाकिस्तान नेशनल PIA पहले से बोल देता है जो पीना है पी के आइए PIA हमसे मत मांगो PIA PIA क्या लाइन है? ओ मैन धोखेबाज सर PIA PIA बंग शंग क्यों धोखेबाज? और क्या? ओह माय गॉड PIA अच्छी एयरलाइन है लेकिन थोड़ा धोखा करती है हमारी एयरलाइन। कैसे? तो यार 50,000 रुपए की टिकट है लंदन के। हाँ। इतनी मोटी मोटी औरतें, जुल्म है यार खुदा का। जैसी औरतें घर में छोड़ के जा रहे हैं वैसी ऊपर मिल रही है, क्या फायदा? जाने का फायदा है कोई? एक रखी हुई पतली सी गेट पे, वो घुसते के साथ ही पकड़ती है। कहाँ रह गए थे? चलो मेरे पीछे। वो पूरे सफर में फिर नहीं मिलती है। फिर आप घंटी दबाओगे, पम एक औरत आई, क्या चाहिए? आदमी हाथ जोड़ लेता है कि अल्लाह की पनाह चाहिए बस। मैं तो दूसरी एयरलाइन से जाता हूँ, एयर एशिया। एयर एशिया क्या एयरलाइन यार, बड़ा एयरलाइन, सस्ता टिकट वैसे ही खाना। हमारे दोस्त भी सफर करेगा। हे मैन ये मोटा औरत क्या होता है? मोटा औरत या इसको पलट दो ऐसा है। ये मोटा मर्द है वो मोटा औरत होता है। ओके उसका दाढ़ी साफ करो ये मोटा औरत है। अच्छा
शुक्रन शुक्रन इनको बिठाओ ना, ये बैठ जाएंगे, इसको के अंदर मशीन नहीं फिट होगी, बैठेगा। आर यू ओके? यस आई एम एब्सोल्युटली ओके, एब्सोल्युटली बोनांजा। प्लीज प्लीज सिट विद हिम। ओह थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। प्लीज अमेरिकन ये कौन आया इतना तैयार अरबी, कौन है यार? मिस्टर सर एक बात बताइए, पानी वानी तो बिल्डर वाटर को दो यार। हाँ जी, शेरी हूँ, बंदाना हूँ, हाँ हाँ, ओजरी हूँ, ओजरी हूँ, ओजरी संग भाई। हाँ देखो, हाँ हाँ हिंग हो, हाँ मगा यार, इसको कैसे बताऊं, मिन छो मत जा पाएंगे, वो भी सा मैंने इसको पूछा, कुछ उर्दू उर्दू बोल लेते हो नहीं, ये तो बिल्कुल ही मर जाएगा। अब दिल करता है चुक लो, आना कुल्लू हमशीरा अल बदतरीन हालत अव्वल खूबसूरत फैमिली कुल्लू मर्दुन औरतुन बदतरीन हालात अना अरबियन जायजुन। क्या बोल क्या रहे हो, बात क्या हो रही है, बात क्या हो रही है? ये बोल रहा है अच्छे लोग हैं, पानी दो ना यार, तुम वेटर हो या मैनेजर, पानी दो, चलो पानी बन दो, चलो चलो पानी बन दे, चलो पानी बन दो। हमारे नेक्स्ट गेस्ट भी आ गए। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप कैसे रहे? विशाल वर्मा फ्रॉम बॉम्बे। जी मोहम्मद उमर शरीफ प्रिंस फ्रॉम पाकिस्तान। ओके ठिकाके क्या मतलब, मैं समझ ठिकाके हाथ मिलाओ, ठिकाके छकास। ओके ओके नेहा, अरे ये मेरी पत्नी का नाम काहे को लेता है? नेहा मेरी पत्नी, नेहा वर्मा। नेहा बदतमीज़ कौन है ये? क्या कह रहे? उर्दू उर्दू सलाम है। ये सलाम वाला नहीं है। ए नमस्ते, अब वो नमस्ते करता है क्या? सिंखो फोंखा चोखा उर्दू उर्दू, मैं तेरी बहन चुक के ला जाऊंगा। ये तो पंजाबी बोल रहा है ये। आपके मुल्क में औरतें बहुत खूबसूरत है, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, ओ हाँ हमारी एक एक हीरोइन जो है ना, उन सब के वजन के बराबर। मैं भगवान का गर्व है साहब, यहाँ तो कुछ भी नहीं, तुम लोगों के देश में है क्या? क्यों नहीं है भाई, हमारे देश में हर चीज है। क्या है तुम्हारे देश में हर चीज? आपको क्या चाहिए बोलो वर्मा? हमें हनुमान की मूर्ति चाहिए। अबे किस किस्म के सवाल कर रहे हैं? अच्छा ये पापी कौन है? हा? ये पापी कौन है? ये पापी नहीं है, गोपी है, गोपी साहब। गुनागार साला मुंह संभाल के बात कर रहा, एक देखा तेरे वल्ला, वल्ला यार फीके, वल्ला। वाहला गुस्सतुन जब्तुन ब्लड प्रेशर प्रेजर। एक्सक्यूज मी सर, आप इधर आ जाइए, आइए। शुक्र आराम 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 थैंक यू। गुफ्तगू
الحمشيره غائب والله والله قتلون قتلون الزوجه الحاجه الخيانه الرياس سنگھوڑتے میری کراٹے کی دکان ہے ضرب شدید خون نکلا تن میں نے کہا تھا کمرے میں کھڑا نہیں تم نے بھیجا یار ہیلو سر کیا کر رہے ہیں گیسٹ آئے ہوئے آپ کہاں سے میں ملتان سے جمیل ملتانی ملتانی بھائی وہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں ملتان سے بھی آئے گا نہیں نہیں یہ وہ گیسٹ نہیں ہے یہ اس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں ملتان ہی ہے پاکستان میں ہے نا پاکستان میں لیکن اچھا چلو بتاؤ امریکہ کہاں ہے امریکہ کہاں ہے بتاؤ امریکہ کہاں ہے کیا کہاں میں کیا کہہ رہے ہیں نہیں معلومات اوہو بھائی بات یہ ہے کہ میں نے کھانا کھانا چلے میں یہی کھا لیتا ہوں کوئی بات نہیں بھوکے لگا ہوا ہے نہیں سر آپ یہاں کھانا نہیں کھا سکتے یہ ہمارا انٹرنیشنل فوڈ فیسٹیول ہے ہم لوکل کو الاؤ نہیں کر سکتے پلیز ایسی باتیں کر رہے ہیں میں ریگولر کسٹمر ہوں جب بھی ملتان سے آتا ہوں یہی کہتا ہوں بھائی آپ نہیں بھائی بات سنیں میرا مسئلہ حل کریں پلیز آگے آ کے بوجھ کرے گا ان کو توڑ بھی کروایا یہ ہمارا ہوٹل کا مینیجر ہے کھانا پینے کا دھیان رکھتی ہے نہیں سر میری پتی کا نام مت لے نیا کا بچہ بھائی مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہے میرے کھانے کا مسئلہ میں یہ کھا لیتا ہوں کیوں کیوں آپ ادھر ہیں کیا مطلب جی بتائیے کیا بات ہے میں کیوں نہیں کھا سکتا یہاں یہاں پر فارنر ہیں فارنر ہے فارنر ہو میں تقریباً فارنر ہوں وہ کیسے ملتان سے آیا ہوں تم تیری ماں دی قسم ہائے یہ مت کریں پلیز پر تو میں پوچھتا اندا تے من کو بدوا دے سا مر وے سا بھرک منگو گل پے وے سا رو سا تیری گل تی ٹھیک دا لم کیوں دور ڈہر لہے نی بوہ گیر دے بسائے کیا ہو گیا آپ کو میں کتنا گزاری نصیب و لالن شکرن شکرن نثار بزمیون بھائی دیکھیں میرا واہ 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 یہ واہ واہ کر رہا ہے تو میں کیوں واہ واہ کروں سر آپ ہمارے یہاں ٹھہرے ہوئے نا ہاں جی یہاں ٹھہرے ہوئے میں کھانا کھاؤں گا کیوں نہیں کھا سکتا میں یہاں آپ کھانا کھائیں گے ابھی بوفے لگے گا آپ کھا لیجیے گا میں تو ویسے بھی اس ہوٹل میں نہیں ٹھہرنا چاہتا مجھے آنٹی آکسیجن نے کہا کہ یہاں پہ ٹھہرو تب ٹھہرا ہوا آنٹی آکسیجن کے شیئر ہولڈر ہیں نہیں شیئر ہولڈر نہیں میں ان کا کلائنٹ ہوں اچھا کلائنٹ ہیں آپ آپ آکسیجن سلینڈر انہیں سے لیتے ہیں جی 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 بیٹھیے تشریف رکھیے پلیز بس تھینک یو ہاں کلائنٹ ہے آؤ سیگو ہاں
मैं तेरी बहन चुक के ला जाऊं। ओए यार उसका कसूर नहीं है, वो जापान चाहे हमारे लोग ऐसी बातें सिखाते हैं यार। मारे पे तो ना आजमाए ना ये बातें, मेरी बहन का जिक्र कर रही है, क्या बकवास है? तुम्हें अपनी बहन पे तो एतमाद है ना? बैठ जाओ बस। अपनी बहन पक्की होनी चाहिए, कुत्तों को भोंकना है भोंकने दो। से मना करते अगर बहन नु पक्का कर तू बैठ यार। क्या मतलब वो बहन के द्वार है ना तनु अपनी हमशीरा पे भाई है। इसीलिए मैं कह रहा था लोकल को अलाउ न करे, ये लोकल झगड़े करवाते हैं। ये देखिए फिर ये झगड़े वाली बात कर रहे हैं। आप बैठो। अरे प्रताप सिंह जी आप बैठिए बैठिए। अब बैठे यार कोई प्रताप। और तुम्हें किसी ने पाकिस्तान का मौसम नहीं बताया? दुम्बे की खाल पहना है। असल में हमारे देश का मौसम अच्छा, आपके गले में भगवान बोलता है। नहीं वो मेहंदी साहब के गले में, मेहंदी साहब के गले में भगवान बोलता है, मेरे गले में अल्लाह बोलता। अल्लाह मेरा प्यारा अल्लाह। आपको हम एडजस्ट कर रहे हैं। प्लीज नाइस टू मीट यू मिस्टर विशाल वर्मा। विशाल वर्मा नमस्कार। हिंदू है इसके साथ तो मैं नहीं कहूंगा भाई। अरे कैसी बात कर रहा है, तेरे साथ अपुन बैठा है, तू भी बैठ। अरे बैठ जा, ये चीज तो खत्म करनी है मेरे को। दिस इज मेन थिंग, प्लीज हैव अ सीट। अपने घर पे कुछ शक है? बार बार क्यों कह रहे ये बात? और यार वो हमारे मेहमान हैं, उनको वैसे भी उर्दू नहीं आती, छोड़ो ना यार। गेस्ट है यार, शी इज आवर गेस्ट। हे मैन ये बहन चुप क्या हो रहा है? बहन को चुप के ले जाना, आपके यहाँ तो ये बात ही कुछ नहीं है ना। ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये हम गैरतमंद लोगों का है मसला। आपके यहाँ तो, हमारे यहाँ तो बहन किसी से बात कर ले तो हम कत्ल कर देते हैं। आपके यहाँ बहन किसी से बात ना करे तो डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं कि इसको क्या मसला है, इसका कोई दोष नहीं। This is different between you and Pakistanis. Okay, I see. Yeah. Unave to mere call bhej dena. No problem. And food is ready. Okay, food is going to really start. No problem. Okay. Buffet, ah. Huh? Okay. वर्मा जी. जी. आप vegetarian तो नहीं हैं? जी, मैं मसाला डोसा पानी पूरी ऐसे ही खाऊंगा. मसाला डोसा पानी पूरी पाव भाजी. पाव भाजी, मसाला डोसा पानी पूरी वगैरह जाके अपना जू से लिया जू. जू बंबई से लिया के लिए। अरे यार इज ओनली वेजिटेबल, आपको मिल जाएगा। ठीक है प्रताप सिंह जी, आप वेजिटेरियन? अरे प्रताप सिंह किधर है? होटल के मालिक है। होटल के मालिक है प्रताप सिंह नहीं है, इनकी जबान पे अपने नाम खड़े हुए ना। अच्छा यहाँ आ जाओ विशाल, यहाँ बैठो आराम से। एनीथिंग यू नीड? नो एनी मोर, आई वांट टू फूड समथिंग। Food? You want to, you're hungry? Yeah. Hungry? I'm very hungry. We are in, no problem. We are in. कि यहाँ पर इस वक्त फॉरेनर्स बैठे हुए हैं और बहुत सेंसिटिव एरिया है, इनकी सिक्योरिटी कौन करेगा? अरे हमने खाना खाना है तो खाओ, मैंने तुम्हारे मुंह पे वार्निंग की है। यहाँ खाएंगे बैठ के? यहाँ खाएंगे? यहाँ नहीं खा सकते प्लीज। कितने का खाना है? कितने का है पैसे बताओ, कितने का खाना है? कितने का है खाना? खाना बताओ कितने का? भाई क्या बात है, कितने का पैसे बताओ, खाना कितने का है? कौन सा खाना? ये सारा खाना, सारा ये तकरीबन कोई 1.5-2 लाख का होगा। मेरी हैसियत नहीं है। हाँ भाई मेरी हैसियत से बाहर है। ये आपकी बीवी है? हाँ जी बीवी है मेरी। मेरी हैसियत से बाहर। पाकिस्तानी? हाँ 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 पाकिस्तानी। मैं तेरी बहन चुक के ला जाऊंगा। क्या पता किसी है? क्या कहा तुमने? सिंह हूँ। क्या कहा तुमने? ये जापानी कितने का है? कितने का है ये जापानी? ये कोई 5 लाख का होगा। मेरी हैसियत नहीं है। अरे गोपाल वर्मा जी गुस्सा थूकिए। ये विशाल वर्मा है, आपके
वो क्या पिताजी? नहीं, मेरे पिताजी की वो सामने वाली बिल्डिंग के पांचवें मरले पे देहांत हो गया था। अगर ये लोग बाहर से आए तो मेरी बीवी भी पाकिस्तानी नहीं है। देखिए, ये लोग बाहर से आए और आप अंदर से आए, ये फर्क है सारा। मौलाना साहब, क्या है मौलाना साहब, क्या है? आखिर आया है यूरोप कंट्री से, फॉरेनर है हम। आओ फिर किचन में जाके खाना खा लिया। देखिए, ये कमरान आप किचन पता क्या हो क्या खाना किचन क्या क्यों कहा तुमने ये बात? अरे कितने का है ये बोला ना? कितने का है ये मालिक, कितने का है ये? तो करोड़ों के है। मेरी हैसियत नहीं है तो तू अपनी हैसियत देख के बात क्यों नहीं करता? बताओ। वल्ला वल्ला सूफियों निकाह पढ़ाया तू? ये क्या मेरे पीछे बढ़ गए? तो क्या करे, एक तुम ही खूबसूरत लड़की हो, पीछे तो देखो ना क्या बैठा हुआ है, बंगाल का जादू। सिंह होंग माय गॉड, सिंह होंग छोंग सिंह होंग, मैं तेरी बहन हूं चुके लाई हूं। सर कस्टमर है कोई बात नहीं, एक आधा बहन चली जाए कोई मसला नहीं। बहन चली जाए खैर है, लेकिन होटल की इज्जत ना जाए, ये हमारी इज्जत का सवाल है। देखिए, हम आपको एडजस्ट कर लेंगे। अपना क्या नाम है आपका? जी तुखियानी साहब। तुखियानी नाम होगा आपका? सर है तुखियानी असला नाम है मेरा। कितना अच्छा लड़कों वाला नाम रखा असलम तुगयानी। जी जी, शादी कहाँ की है? शादी बाहर 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 कहाँ? हमने भी कनाडा में शादी की थी। आप कनाडे भी गए? जी जी, मेरी एशिया से बाहर। आए आप मेरे साथ, आपको मैं बिल्कुल मैचिंग की जगह पे बिठाता हूँ। शुक्रिया। आप बंगालियों के साथ बैठे आगे। इसका बताया तुम, इसका बताया उन, अपनी हैसियत चेक किया तुम? आपकी कंट्री में ऐसा कुछ होता है? हमारा कंट्री नहीं, हमारा मुल्क है। बैठे आप, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हम इन लोगों के साथ नहीं बैठेगा। हाँ, अरे बहुत क्यों रहे? क्या हुआ? क्यों हम इन लोगों के साथ नहीं बैठेगा? हम बांग्लादेश से आया, हम इस गोंजे के साथ नहीं बैठेगा। किसके साथ? इस गोंजे के साथ नहीं बैठेगा। गोंजे के साथ? अरे ये बोल रहा है गंजे के साथ नहीं बैठेगा। इतने का है गंजा? अरे मेरे साथ नहीं बैठ, अरे मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, अब मैं नहीं बैठूंगा तेरे साथ। अरे तुम्हारा सब भेदता कौन है, कैसा बात कर रहा है तुम? अरे मैं कह रहा हूँ मैं, अरे तुम शायद जानते नहीं मुझे। कौन है तुम, क्या जानते हो तुम, बताओ दीजिए कौन है तुम? सर बताना इसको। मुझे क्या पता तेरे मुताल्लिक, मुझे क्या पता तुम्हारे मुताबिक बताना है? मेरी बेइज्जती कर गए यानी मेरे साथ नहीं बैठे? कोई बात करने का? इतना खूबसूरत हमारा बीबी है, उसके साथ इसको बता रहा है? अभी से आप बैठे भाई, ना बैठे शाहबुद्दीन भाई, प्लीज आप बैठे। भाभी आप बैठे। गंजंग नंग, गंजंग नंग पाकिस्तानी मोटर में। वल्ले वल्ले इंडिया नन, बताया तुम माधुरी का आजकल क्या निजाम? आप अपने जबान को लगाम दीजिए, मैं बहुत शराफत से पेश आ रहा हूँ। आप अपनी ये सारा पैसा किसको दिखाता है? एक मिनट भाई, एक मिनट, ये अपनी सीमाएं पार करता है, आप इसको सीमा वल्लाल हदूदुल शरीयतुल लाजिम अपनी अल्लाह वल्ला ठरकुन अल पाकिस्तानी अल बाद नमाज जुमा कोड़ा तुन इसके बाद आपने हमारी सीमा पार की तो आप बता दीजिए जुगत नारायण साहब इसे। आप बात सुनो भाई, ना सीमा पार करें जुबेदा पार करें। सिंह होंग इंडियन 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 विभाषा पास जन्म जन्म
बैठे आप। अबे तू डेढ़ तोले की नाक लेके हमारे इंडियन हीरोइंस की बात कर, इसको समझाइए। बैठे नहीं बैठे तू चुके ला जाऊंगा। बैठा साला बहुत ही मुंह फटाए। बैठा तुम उसको किसी ने सिखा दिया हमारे और आपके इंडियन और पाकिस्तानी यही तो करते हैं, फॉरेनर्स को गालियां सिखा देते और कुछ नहीं सिखाते कि उनको सलाम सिखा दो, दुआ सिखा, उनको अच्छी बात सिखा, उसको सिखा दिया किसी ने तेरी पहनो चुके ला जाओ। अरे तो आप उसको कुछ अच्छा समझाइए। मैं समझाता हूँ, मैं इसको क्या बोलूं, चुकले के ना चुके। कैसी बातें कर रहे हैं, आपने इनका तारुफ नहीं करवाया? ये जो ये हमारी सुषमा जी हैं। अरे सुषमा देवी नमस्कार। देवी सुषमा दीदी बोल रहे हैं। सुषमा दीदी दीदी तो प्रिंस दीदा ठीक है। आप बैठे ना, आप तो यार आपको तो हमारी जबान समझ आती है ना। अरे बहुत आसान, आप कहीं के लिए नहीं बैठ रहे, आप बैठिए ना। बड़ो आपका हमारे खल्लास का जिंदगी बारे क्या है, तू अपना आदमी जाना है बैठने का, अपनी भाषा में बात करता है। प्लीज आप बैठे, अभी आपके लिए खाना बनाता हूँ। लाओ भाई खाना लाओ यार, क्या कर रहे हैं। सुषमा निहा निहा काय को बार बार मेरी पत्नी का नाम लेता है तू? अरे क्या अकेली तेरी पत्नी है क्या? अरे नेहा तो मेरी पत्नी है या मैं? अरे एक नेहा थोड़ी है दुनिया में, क्या कह रहा है तू, बहुत सारी पत्नियां हैं रे। पिताजी पाए खेचू। शट अप ऑन शट अप ऑन मुगनियन। हाँ? इसका क्या निजाम है? ओ हो ये क्या टेंशन है, ये क्या टेंशन दी हुई है मुझे। भाई यादा मैंने चाय मंगाई मुझे कूलर में दे गए, और मैं इंसान हूँ, ये कौन सा होटल है, पार्टी किधर हो रही है, पार्टी किधर हो रही है मुझे बताएं जरा। भाई पार्टी नहीं हो रही है। हाँ यहाँ पे फूड फेस्टिवल हो रहा है। वो फूड फेस्टिवल इधर हो रहा है? हाँ। तो उसका बिल मेरे कमरे में क्यों आ रहा है? अब मेरा क्या तल्लक है सिलेंडरों से, तीन सिलेंडरों का बिल दे के आ रहा हूँ। कुछ समझ नहीं, जो बंदा आता है मुझे कहते हैं जी ये आप कर रहे हैं, ये आप खा रहे हैं, ये आपने कर दिया है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। ये बहुत फास्ट होटल है, यहाँ पता नहीं लगने दे रहे किसी को क्या हो। मैं एक स्टोरी राइटर हूँ, इधर नावल लिखने आया हूँ। नेहा हाँ। मैं तेरी बहन को चुपके ला जाऊँ। देखो भाई उठाने की जरूरत नहीं, मुझसे बात कर लो, मैं रिश्ता दे दूंगा तुम्हें। अंदरून कुत्ता तुन ए बारो भी कुत्ता तुन। शुक्रन। अबे शुक्र करो, उसको समझ नहीं आ रही क्या बकवास कर रहे हो। मुझे खुद समझ नहीं आ रही सर, मैं क्या करूं। आप जाए अपने कमरे में जाए। मैं कमरे में नहीं जाऊंगा, कमरे में अजीब रोशनदान मेरे टूटे हुए, केबल मेरी नहीं आ रही, मुझे टेंशन दी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इधर ही बैठूंगा, इधर ही मुझे जगह दे प्लीज। आप तशरीफ रखिए, आप गुस्सा थूक दीजिए। किसी जानने वाले पे थूकूं? किधर थूकूं? इस होटल की तो स्वीपिंग भी ठीक नहीं है, स्वीपर भी ठीक नहीं है। परसों ऊपर मैंने एक कोने में थूक फेंका, देखूं ये साफ करते हैं कि नहीं। दो दिन के बाद जाके देखा उधर ही पड़ा हुआ। तुमने थूका हुआ? वो तुमने थूका हुआ? मैं समझा कोई एक रुपए पड़ा हुआ, एक रुपए पड़ा हुआ। मैं दो तीन दफा उसे उठाने गया हूँ। बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात कर रहे हैं आप। सर मैं तो उसको चेक कर रहा था, आप चेक हो गए। सिंह मैं तेरी बहन की चुप्पी ले जाऊँ। खबरदार सिंह, आदि आना सब आदि आना हुआ, ये बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते। संगो चीता पाए नहीं आए, सिस्टर हाँ सबकी बहने एक ऐसी होती है। एहतियात प्लीज। मैनेजर साहब ये खाना शुरू करने से पहले यहाँ स्प्रे करवा दे जरा प्लीज। अच्छा ये बहुत सारी बीमारियां फैली हुई हैं यहाँ पे यार। लेकिन
प्लीज आप ऐसी बातें मत। ये बीमारियां नहीं फैली हुई, कोई आपका ही बटन खुला रह गया। लालू प्रसाद भी आए हुए ज्यादा। खाना लग गया सर? यस खाना लग गया सर। खाना खुला हो गया? आप उनकी बीवी को आंख मारे? नो बड़ा हिसाब बराबर करो, टेबल पे ही करो। हिसाब बराबर नहीं हो सकता है ना? क्यों? हमारा इतना समाज बीवी है, वो बहुत ही बहुत ही है। मुखर नहीं है और हिसाब बराबर। Where is your address? Science की गुफ्तगूल परहेजुन। हाँ, खाने का क्या बोला है? तैयार है। अच्छा, excuse me, ladies and gentlemen. My dear all friends, from Multan to Tokyo, yeah. From Tokyo to Bangladesh and Bangladesh to Australia. You are all here. You are our guest and very respectable guest हैं आप हमारे। हमारी आपसे ये गुजारिश है कि इस होटल के होने वाला ये फास्ट फूड और फेस्टिवल म्यूजिकल इवनिंग हमने आपके लिए तैयार की। थैंक यू। आप लोग प्लीज आइए, खाना तैयार है, है? आप दोनों बखैरा तुम? तो तुमने क्या समझा, तू कलाई है? ए
साले जबान संभाल के आ सिंह होंग दुनिया रंग बरंग यार म्यूजिक को एंजॉय करो यार क्या बी क्वाइट लेडी सिंग अ सॉन्ग प्लीज सिंह होंग हेलो नी हां आंटी ऑक्सीजन प्लीज ऑक्सीजन के बगैर
बुरा हाल हुआ है, तशरीफ रखें आप यहाँ। नहीं हाँ अरे साला चुप रहा, चुप कर भाई। नया प्लीज कर नया सा बड़ी चुटिया रख के नया नया करता। मैं तेरी बहन की चुटी ला जाऊंगा। क्या ये तो किस किस्म का आदमी है, इस बात पे नहीं तपता, इस पे तपता नेहा नेहा। वो कहता बहन ने चुके ला जाएगा। ए साला तेरे कोई बहन ही नहीं है। ओए बात सुन, कूल डाउन प्लीज, वन डाउन। आप लोगों को ये जानकर बड़ी अभिषिक्ता होगी, मतलब इनके लिए करो, आप लोगों को अभिषिक्ता होगी। आपके बड़े आभारी हैं कि आप यहाँ पे, परंतु अपनी छाव में गंभीरता किए बैठे हैं और आपकी आत्मा की शांति के लिए आप चिता को आग लगाना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको यहाँ पर खुशामदीद कहता हूँ, आपको आपको और आपके सारे फैमिली को। और आप हम यहाँ पर अपने इस फोक फेस्टिवल में आए, जिंदा है और ठीक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस खूबसूरत फेस्टिवल में प्लीज मैम ऊपर आए। मैं तेरे करूं सोफा चुप के लाने वाला बन रहा हूं। सिंह को बता रहा हूं, हमारे आदमी इस देवलासी और इस कर्तकरिया में इस पता नहीं क्या करने वाला है। एक्सक्यूज मी, या हाउ यू फील, आई यू फीलिंग, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ हम लोगों के बीच में बैठ कर के आपको? हमने बहुत अच्छा महसूस किया है मैम, इधर का लोग बहुत अच्छा है, इधर का फोक गीत बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। लेकिन हमको कुछ सवाल पूछना मांगता। पूछो पूछो। हम आपसे ये पूछना मांगता कि ये गुर्बत क्या होता है? गुर्बत या ये आप लोगों की वजह से पैदा होता है। आप लोग हर मुल्क को दबा के कर्जा देता है, इतना देता है कि वो वापस करने के काबिल नहीं रह सकता है। फिर उधर गुर्बत इंट्रोड्यूस करता है, कीमतें महंगी करता है, पेट्रोल का कीमत बढ़ाता है, गरीब लोग पागल हो जाता है और उसके बाद कोई चारा नहीं रहता कि एक पेट्रोल का लेकर के ऊपर छिड़के फ्लिंग करे और ट्रेडिंग हो जाए। ओह आई सी। एक और सवाल पूछना मांगता है। पूछो पूछो। ये दुख क्या होता है? दुख, जाओ इराक, जाओ फलस्तीन, जाओ कश्मीर, तो तुमको पता चले कि दुख क्या होता है। वल्ला वल्ला मुसलमानुन फितुन जवाबुन। शुक्रन या ज़खिया। एक बात और पूछना मांगता है। या या तुम मुझे ये बताओ, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट है, हर बात में बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, लेकिन क्या वजह है तुम लोगों ने अभी तक तरक्की क्यों नहीं किया? क्या नहीं किया, तुमने क्या किया, हमने क्या नहीं किया? हम चांद पे पहुंच गया है, सबसे पहले चांद पे हमने कदम रखा है। तुम चांद पे जाओ, तुमने चांद को सही तरीके देखा नहीं, पहले ही पहाड़ी पे लिखा हुआ वली खान को रिहा करो। सॉरी, पहला पहाड़ी पे यही लिखा हुआ। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, एक्सप्लेन करो ना दिया। ये हमारा लोगों का लेबर है। ये हमारे लोगों का लेबर है, उनका मेहनत है, उनका मुशक्कत है, ऊपर चले गए। ये तो पाकिस्तानी कौम से ज्यादा मेहनती कौम कोई नहीं है मैम। आपके अमेरिका में जाते हैं सबसे ज्यादा हमारे लोग लेबर करते हैं। अपने मुल्क में काम करना तो हम समझते, बाहर जाके काम करते क्यों? इसलिए कि लेबर है। बाहर के मुल्क में जाके बर्तन धोलेंगे मरवा नहीं, अपने मुल्क के अंदर बर्तन भी धोएंगे कि बेइज्जती हो जाएगी। अगर हमारे अंदर ये जज्बा आ जाए कि अपने मुल्क में जो काम करना है टिका के करो, तो ये मुल्क जो है ना जन्नत का नमूना बन जाए। हमारे अमेरिका में जाओ, अमेरिका में, यू नो यू गो अमेरिका, देखो हमारे लोगों को कि वहां पर कितनी मेहनत कर रहा है। इंसान का कदर नहीं है तो हमारे पास नहीं है, इंसान हमारे इंसान नहीं है, इंसान को हमारे इंसान नहीं समझते। अमेरिका में चले जाओ तो आप लोगों ने कुत्तों को भी जो है ना 10-10 लाख का किया हुआ, 10-10 लाख का कुत्ता है वहां पर। यहाँ पे 10 लाख की गाड़ी है, आप समझ लो 10 लाख की गाड़ी ले, समझ लो आप कुत्ते में बैठे हो। दस लाख का गाड़ी का मतलब है आप कुत्ते में बैठे हुए। उधर का कुत्ता भी देखो तो क्या कुत्ता है, क्या इंग्लिश समझता है। अच्छा, उधर का कुत्ता, ये कुत्ता क्या होता है? डॉग। कुत्ता स्टैंड अप, समझता है इंग्लिश के नहीं? बरोबर बरोबर। वहां का कुत्ता भी बेहतरीन।
शैंपू किया हुआ कुत्ता, धुला हुआ, नाखून कटे हुए, दांत मचे हुए, तुम यू सरकिन हला 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 हला, जिसके साथ आ रहा है, जो लेके आ रहा है वो कुत्ता लग रहा है, कुत्ता कुत्ता नहीं लग, कुत्ते तो हमारे यहाँ है कुत्ते, ठेलों के नीचे बैठे हुए बेचारे, बारिश में भीगे हुए, कोई दही बल्ले खा रहा है कुत्ते को लात मारता, कुत्ता मुड़ के देखता है अल्लाह कुत्ता तो मैं हूँ, हरकतें ये कर रहा, थैंक यू थोड़ा तीन चार देना, थैंक यू बहुत छोड़ा कर दो, थैंक यू बहुत स्वागत है सिंह होंग द प्रहाफ मोनिका लेवेंस्की, प्रहाफ मोनिका लेवेंस्की, मोनिका लेवेंस्की ये हो, समझे तुम मोनिका क्लिंटन उन शब शबाउन क्लिंटन भी पाकिस्तान आया था, पाकिस्तानी कितने जीनियस है नकल करने में चैंपियन, पाकिस्तानी नकल करने में चैंपियन, मैम क्लिंटन आया था चार घंटे ठहरा, डर के मारे वापस चला गया, बोला कहीं नकल करके हमारे जैसा दूसरा नहीं बना, हम एक आया और यहां से दो जाए फिर कोई पहचान भी नहीं सके असल कौन है, फिर मोनिका को बुलाना पड़ेगा तो उसको मालूम है कि असल कौन है, या शेखुन खुशामदी, जब कोई बड़ा आदमी है तो उठ जाओ तशरीफ रखते प्लीज आप चौधरी साहब आप बैठ जाइए, ठीक मैंने इसको बता दिया, अब ये बोलेगा तू मेरी बहन को उठा के ले जा, ए मैं किसने हूँ आप मेरे को बोल, बैठो वर्मा वर्मा प्लीज हैव सीट, क्या खा रहे हैं यार फेकी, सुभान अल्लाह लक्सूना माशाल्लाह इंशाल्लाह, वाह अजाबुल अजीमा अजाबुल अजीमा अल्दोजा को करीब फितुल फिसाद बोल रहा है या अरब के लोग हमारे लिए काबिल एहतराम, अरब के लोग हमारे लिए काबिल एहतराम, अरब के लोग ये हमें गालियां भी दे तो हमें चाहिए कि हम टोपियां पहन के सुने, उठाना भी मालूम उनकी किस गाली में हमारे लिए निजात, अरब के लोग हैं बेहतरीन लोग बहुत अच्छे इंसान, हम इनके बहुत जाते हैं हमारी सारी लेबर इनके काम करती है, बकरा ईद पे दबा दब के जकात के मुर्गे बेचते हैं बकरे बेचते हैं, तो बहुत सारी इंतजाम हमारे अरबी भाई के लिए जो हमारे यहाँ वेरी नाइस वेरी नाइस, अरब में अरब में भी मिरासी होती है कोई मसला नहीं, मिरासी नो ओजरी हूँ, बांग्लादेश हमारे भाई हाउ आर यू फाइन ठीक है बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम तुमसे एक बात पूछना मांगता है, हाँ वो जिसको खोना चल रहा था, क्या चल रहा था खोना 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 ही चल रहा था, खून 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 जब खो रहा था तो उस वक्त किसी आदमी ने हमारा सर के पीछे से एक धोंधो मारा, क्या मारा धोंधा धोंधा धोंधो मारा है धोंधा पीछे मार रहा है खून होके निकला है, ये पाकिस्तानी धोंधा है यार ये बंगाल के लोग हैं वेरी नाइस पीपल, बंगालियों ने भी हमारे साथ क्रिकेट टीम में मैच जीता, जिस दिन इन्होंने जीता उस दिन से इनके मुल्क में कौमी छुट्टी हो गई, इनकी टीम हमारी टीम से हॉकी का मैच खेलने आई थी, ओह माय गॉड हमारी टीम ने 25 गोल कर दिए, बंगाली कैप्टन रोने लगा 25 गोल भूत हो गया 25 गोल भूत हो गया, हमारे को इस वक्त का गम नहीं है कि हमने 25 गोल खाया, हमारे को इस वक्त का गम है कि हमारे को एक दफा भी गेंद नहीं दिया है, बांग्लादेश क्या तुम अच्छा अजीब मुल्क कुल बांग्लादेश हम थुक सुट्टा तुम सलाब आया तुम Nice, nice.
सिंधुन बांग्लादेशी उन चिकड़ उन राशन गड़पुं गड़पुं इश गड़पुं या ये जैपनीज की देखो कितने अकलमंद हो गए तुम्हारे पास बेटा तो अरबी बोलना शुरू हो गया ये ला लोग तो बोल रहे अरबी जबान और कुताशुरु नी हाओ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बंगाली है तुम आदमी क्यों बोल रहा है बंगाली है मैंने भी टच हो गया ना ये बंगाली है मंगोली है भाई मंगोली है लिख के दे दे तुमको झूठ बोलता है ये मसली है ओ जानता तुम बेनोयून बांग्लादेश के लोग बड़े अजीब लोग हैं अब तो हमारी टीम हॉकी की इनके जैसी हो गई काले काले पतले पतले पीला रंग जर्मनी के साथ खेलने जा रहे हैं ऐसा लग रहा है खून का हथियार लेने के लिए एक हॉकी हाथ में दो हॉकी नेकर में से निकली तीन तीन हॉकी से खेल रहे गोल नहीं कर गरीब उन गरीबा यतीम उन मिस्कीना भाभी जी भाभी जी बहुत सारी तालियां भाभी जी के लिए इंशाल्लाह हम करीब उल वफात नहीं हो देखो हाँ मैं वो परेशान हूँ परेशान मैं इंसान हूँ मेरे ससुर को इतना मार दिया तो मुझे कुछ भूल निकल गए किसको मार दिया ससुर को कसम को अच्छा कसम को कसम हस्बैंड दे दो भाभी वही हस्बैंड हाँ हस्बैंड अच्छा जैसा वो है ऐसी बोल रही है बांग्लादेश ओके सिंगाना प्लीज भाभी आप क्या क्या भाभी का भी मुंह नहीं खुलता उतने ही खुलता कितना मछली को वही कसम को भाई की बोल ले इधर आओ इधर कैसा लगा पहन पहली दफा पाकिस्तान आई हो हम मिलके इसकी बहन को चुप के ले जाऊंगा मिस्टर जलील ताबिश कैसे भी बड़ा मजा आ रहा है बड़ा मजा आ रहा है अल्लाह के सब कितने का सब कुछ हाँ हम लोग सब मिलकर के हंसी खुशी शाम को रंगीन बनाते हैं आपके साथ आपकी मोहब्बतों के साए में इंडिया इंडिया प्लीज बिग हैंड आपको पता चलेगा पाकिस्तान आए पाकिस्तान आप आए तो आपको पता चलेगा पाकिस्तान क्या मुल्क है पाकिस्तान अपने मुल्क में आने वालों को सर पे बिठाता है एक दफा हमसे प्यार से मिले सारी जिंदगी तुम्हें गले लगा कर रखेंगे लेकिन एक दफा प्यार बड़ा जरूरी है आपस में नाइस थैंक यू वेरी मच आपका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से है या बिजनेस से है फिल्म इंडस्ट्री से ओह माय गॉड इंडिया फिल्म इंडस्ट्री जी हमारे लोग कैसा है वो अपना गबर सिंह गबर सिंह हाँ वो मर गया गबर सिंह हाँ उसका देहांत हो गया मर गया वो देहांत हो गया जी और सब कैसे हैं हाँ सब बरोबर हाँ बरोबर इसको चुप कर रहे हैं या क्या इंडियन उन इंडियन उन करीना कपूर उन आजकल क्या साबुन बहुत बिजी है फिल्मों ना बहुत बिजी है करीना कपूर बहुत बिजी है आइए हम लोग जो है ना इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के आप इन लोगों के लिए एक गाने को गाते हैं जी इनके लिए गाते हैं हमारे मेहमान है इनके लिए गाते हैं मेहमानों के लिए गाते जी जी क्या कहते हैं बरोबर हाँ बरोबर गाने का हेलो आप अवर ओके ओके कैफ हाल है रफीका वल्ला वल्ला पहली मरतबा जब बांग्लादेश के अंदर आलम चना गया ओ माय गॉड आलम चना बांग्लादेश के दौरे पे गया बंगाली पागल हो इतने तक बंगाली देख रहा अरे कौन है इतना ऊपर क्यों खड़ा हुआ है बांग्लादेश के निकल गया अरब में गया अरबी भी इसको देख के पागल हो गया अल्लाह आलम चना को देखो वो पल्ले तबील القام الانسان ونسل الجنات ام ولا ما في هذا باكستاني كفالة استغفر الله
मीटिंग प्लीज मिसेस जलील ताबिश। हम आपसे सवाल करने मांगता। हम भी मांगता। आपको ये बताओ, हमसे ज्यादा तो मांगता कोई नहीं है, हम तो हर मनुष्य से मांगता। वेरी नाइस वेरी नाइस। हम ये पूछना मांगता, हमारे कंट्री में कोई नहीं डरता, ब्रॉड माइंडेड, इधर क्यों डरता? इधर हिचकिचाहट, व्हाट, पड़ोसी का खतरा, अल्लाह का डर कोई नहीं। अल्लाह को चाहे पता लग जाए, बोलता परवाह नहीं, बराबर वाले को पता नहीं चलना चाहिए। What is thinking, man? What is thinking, man? Please have it. Thank you very much. Thank you. Oh my God. भाभी बहुत खून खून खूनी भाभी। सिंहों आप सिंहों मार्चू। आइए हम लोग चलते हैं अपने मनोरंजन की। तो आप लोग मनोरंजन बोलते हैं। नाइस, क्या पाकिस्तान का टैलेंट है। ओह माय गॉड, पाकिस्तानी टैलेंट दुनिया में कहीं नहीं। आइए मिल करके पाकिस्तान के नाम पे एक गीत शुरू करते हैं। राइट, पहले आपके लिए गाते हैं जी। कोई अच्छा सा संगीत होना चाहिए। होना चाहिए, अच्छा सा संगीत होना चाहिए। वैसे हमारा पूरी दुनिया में संगीत नंबर वन है, फिर भी आप गाए। आपका नंबर वन इसलिए कि आपके मजहब के अंदर है, हमारे मजहब में नहीं। आपके मजहब में भगवान मानते नहीं चार पांच चारों से। हम स्टार्ट करते हैं गाने का। वैसे और लेते हैं किया है जो प्यार तो प्यार करने वाला ग्राम निशान है। प्यार की शाम, प्यार करने वाला ग्राम है। तू मेरी बहन को चुपके ले जाएगा। तुझे पता ही नहीं मैं पिछले साल लिया था, मैं ले आया। अब तक तो मामू भी बन चुका है। चिंग होंग चिंग होंग। बहुत अकलमंद कौन है, दो कनस्तर दो आटे के सुजू की बनाते देते हैं। और जवान क्या किया है जो ले जाऊंगा। अल्लाह खुश हो बला। वल्ला फिट रखूंगा, फिट रखूंगा। मैं इलाज करूंगा। आंटी से आंटी प्लीज कम ऑन जो आया फिर तुम
आंटी सिलेंडर उन और भी सीएनजी उन आजा मुसलमान पाकिस्तानी उन डीजल उन आंटी ये आप जब मैं होटल कबीना के अंदर होता था तो आप वहां पे गाना भी तो गाते थे आंटी जी ऐसे ना ऐसे मेरे मन को कुछ कुछ होता है गाना दे तो पागल है मेरा हाँ आप कह रहे हैं चुप करके बैठो तुझे ज्यादा समझ आ रही है मैं तेरी बहन को चुप के ले जाऊंगा मेरा खाना मैं अपनी होटल का नाम रखते तेरी बहन को चुप के ले जाऊंगा चार चार कमरे होटल बहुत चलेगा चार कमरे बुक किया तुम हाँ आंटी आंटी आपने तो जिंदगी में किसी से प्यार किया होगा कई प्यार कई आंटी याद ही मुझे मैं कई प्यार किया आंटी जी पहला प्यार कभी नहीं भूलता जी आपके लिए यही है हाँ जी बिल्कुल ठीक है बिल्कुल पहला प्यार कभी नहीं भूलता कैसे ऐसे बच्चों ने अपने बाप से कहा या अब्बा मुझे लंबा चाहिए
अपने का याद फाला नारंजो अम्मा अलमतुल वतुल दस्तियाब उन्होंने अमिताभ बच्चन को बुला लिया। अमिताभ बच्चन बच्चों से मिला, खुश हुआ। बच्चों ने कहा अब्बा अला मतुल वतुल लंबुआ मुसलसल मुझे रोजाना चाहिए। अब्बा ने सेक्रेटरी से पूछा, क्या सेक्रेटरी लंबू बराए फरोख्ता? सेक्रेटरी ने बोला इंसानी फरोख्तुल हराम। बोला किराए पे दस्तियाब? बोला बाराजी। बोला कितना किराया? 2 लाख दरहम। काम? बोला काम कुछ नहीं, जुम्मे के जुम्मे मेरे ऊंट की आंख में सुरमा डालना। अभी तक बच्चन का गाना है जुम्मे के दिन की जुम्मे का चुम्मे को जापानी में बोलेंगे किसिंग मिसिंग।
वल्ला वाह या ओम सुको पावेंगे ना मैंने बताया इसको कि सबने तुम्हारी बात को एंजॉय किया वल्ला आजा चुम्मा अगर इस चुम्मे को अगर इस चुम्मे को दिलीप कुमार गाए आप क्या तो कैसे गाए आप दिलीप जी आप बताइए दिलीप साहब मिश्रे फनकार आस्ते आस्ते सब कुछ कर जाता हूँ इसको पता नहीं कितना क्या बोलू बोलता तो हमारा मोहम्मद अली है ना जस साहब जी अरे हो जस साहब तेरा फ्री आ गया ऐसे जोर का बोलता जस साहब जस खड़ा था जी भाई साहब ऐसा फंकार चाहिए ना ये फंकार होता है समझ रहे ना अब दिलीप कुमार चुमा दिलीप कुमार नहीं पहले मोहम्मद अली मैं क्या बोलता हूँ पहले मोहम्मद अली नंबर वन फिट उन मोहम्मद अली मुकाबला है ठीक है सेट रू मोहम्मद अली चुमा चुमा साहब मैं मंगल वाली के लिए आया था इसलिए कहा है मैं बुधवार के आया तो इसने कहा कि माफ करूंगा आज चुम्मा है जस साहब इससे कहिए कि चुम्मा दे अगर इसने चुम्मा नहीं दिया तो मैं आपका चुम्मा नहीं होगा जस साहब दिलीप कुमार सितार बजा तीन ना वैसे दिलीप कुमार को पसंद नहीं करता क्यों फिरदौस जमाल की नकल करता दिलीप कुमार चुप अरे जानती तुम्हें मालूम है कि आज का दिन है जानती हूँ क्या है आज जुमा है आज अब तुम पूछोगे कि जुमा क्या होता है अरे भाई जुमा ही होता है इबादत के लिए होता है अब तुम पूछोगे जुमे में क्या होता है जुमे में जुमा होता है अब तुम लुगत करोगे मंतक के साथ ना बहस में ना जाना अब तुम जब मुझसे पूछोगे कि जुमा क्या होता है तो ये चुनने से पहले होता है क्या बात है आपके अमरेश पुरी का फर्स्ट कजन आप मुकाबला करने जा रहे क्या मुस्तफा कुरैशी और चुम्मा हैबत का थोड़ा सा इबरत का मुस्तफा कुरैशी अजीज़
को ऐसा नशा। हजार और किया तुम, तेरा चेहरा तेरी जुल्फों से निकले, हजार उलझनों का तहत कोई हल निकले। तेरा चेहरा तेरी जुल्फों से निकले, हजार उलझनों का जैसे कोई हल निकले। मेरे उंगलियां मेरी आज भी इस सोच में घुमाए, उंगलियां मेरी आज की थोच में घुमाए, किस तरह उसने नए हाथ को थामा होगा। उंगलियां मेरी आज की थोच में घुमाए, किस तरह उसने नए हाथ को थामा होगा, किस तरह उसने मैं उसने उसने वो कहा जो कोई कह ना सका, कोई कभी कह ना सका। मैं किसी से तेरे फसाने को न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को, हमने तो सारी रात कहते रहे ये थाने को, हमें ले जाओ किसी घर उनके किसी बहाने से, जो किसको कैसे खबर हो गई इस गाने से। तो चुम्मा अल्लाह मुंह देखो, हां मेरे अल्लाह तुम्हें इस्लाम जापान तक तो पहुंचा दिया। तो चुम्मा के चुम्मा के चुम्मा दे, चला चुम्मा दे, चला चुम्मा दे, चला चुम्मा दे, देख चुम्मा चुम्मा दे, देख मेरी तरफ एक नदी में जिसकी मैं तेरे बताना आया है। तू का पैसा है कहीं और के नगर में आया है, कैसा पैसा पैसा कहीं नगर में आया है, तू का पैसा कहीं नगर में आया है, चल मैं चलना कभी ना हो कहीं नगर में आया है। वैसे एक दो बात करके बता देते हैं आपको। हमारा तो अताउल्लाह से खेल ही माननी। जनाजों का सिंगर, लोगों के पास रोने का टाइम नहीं होता, उसे बुक कर लेते, वो जनाजे के पास बैठेगा, वो तो अजीब आदमी। शक्की औरतों का सिंगर है, शक्की औरत, शक करने वाली औरतों की, उनका सिंगर है। उसने दुनिया के हर आदमी से कहलवा दिया था मस्त कलंदर, उसने हर काफिर से हर मुनकर से कहलवा दिया था मस्त कलंदर। जन्नती आदमी, जन्नती आदमी मुजफ्फरअली खान जन्नत में गया होगा, बूढ़े बाहर आ गए, नहीं हम आपको नहीं समझते, क्योंकि हम आपको झूठा दिलाते, आप जाते तो हैं, आते तो हैं। उसकी बहन को देख ले आखिरी हफ्ता,
तू रो क्या क्यों नहीं? मेरा भाई ने रुकी नहीं, मैं ठीक रहा। अगर तू जाने लोगों को बताता भी नहीं है कि गुंडे तेरी बहन को कहाँ ले गए, खुद ही वहां पहुंच जाता है। कैसे कैसे ये खुद भी वहीं लेके जाता। हम भी उधर ही लेके जाता है। झोपड़ियां से घाव। हां तो हमारे यार सुल्तान के मरने के बाद चैलेंज मिल गया, उसकी ड्यूटी हूरों पर लग गई। हूरों पर ड्यूटी है, हूरों पर। तो इनको कोई ना छेड़े, ध्यान रखो अफसरों पे, क्योंकि हमारे लोग वहां है ना, पाकिस्तानी वहां है ना। एक पाकिस्तानी जन्नत में चला गया, खुदा की कसम सबके लिए जगह बनाएगा, देख लेना। देख लेना। और ये हूरों को भी छेड़ेंगे। हाँ, हूरे आकर के जन्नत की इंचार्ज से शिकायत करेंगे, देखो जी मैं हाजी साहब की हूरा तो मेरे मलक साहब से। मुसलमान को, मुसलमान मर्द को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। अल्लाह ने मर्दों को नबी बनाया, औरत को क्यों नहीं बनाया? कि ये पहले से मेरी बातें बता दी। मर्दों को बनाया है क्यों? मर्द से प्यार किया अल्लाह ने, उसे कहा है मेरे मर्द, ए मेरे बंदे, जा जमीन पे जा, चार चार शादियां कर, जा। चार शादियां करे मर्द, अल्लाह कहता जा। क्यों? अल्लाह मर्द से प्यार करता है, चार शादी इजाजत। मर्द चार शादी क्यों करता है? क्यों 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 क्यों? इसलिए दुनिया में मर्द ज्यादा है, औरतें ज्यादा है, मर्द कम है, और औरतें मरती भी कम है। औरतें मरती भी कम है। आपने कभी औरतों का जनाजा देखा? जब आप देखोगे, आप यही देखोगे, बर्द साहब, कोई साहब, मलक साहब, साहब साहब, शीर साहब। सारा दिन घूमती है, रात को मुंह धोके सो गई, मौत का फरिश्ता है, देखा अरे तू तो कोई और है, बच गई। सही बात उन और से कम मरता हूं, 11 सो जाऊं कोई नहीं फर्की हूं। अब्बा मरा और चाचा मरा, और के कम मरती है जो मैंने बता दिया। जन्नत में हमें मिलेंगी 70 हूरे, दोस्तों 70 हूरे, 74 औरतों के साथ घूम रहा हूंगा मैं। एक औरत के साथ घूमने वाला पाकिस्तानी मान नहीं होता। कहा 74 के साथ, 4 इधर वाली, 70 ऊपर वाली, 70 उधर, जन्नत प्लीज कतलुन, कतलुन जन्नत में जाया तुम। कैसे हो आप, क्या बोलती है मिस सुषमा इसके बारे में? यही नेक बीवियां होंगी जो वहां पे हूरे बना के दी जाएंगी। तो फिर जन्नत में नाम नहीं जाएंगे। तो चलो यही पुराना माल नई पैकिंग में देंगे, कौन जाएगा वहां पे? हां दोस्तों, मैं जाऊंगा, वीआईपी तो मिलेगी, वीआईपी चेंज तो मिलेगा। हां नहीं, हां दो जखून ऐश्वर्या माधुरी, दो जखून। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलो, माधुरी नहीं बोलो, मेरा कुछ काम हो रहा है। तो भाई बहनों, ये हमारा आज का वक्त गुजर रहा, बीत रहा है, और हम जो है ना आज अपने ग्रुप में आए हुए अरबी भाइयों को, अमेरिकन्स को, अमेरिकन्स को, इंडियंस को, और जापानीज को, और बांग्लादेश के, और ऑस्ट्रेलिया के आए हुए मेहमानों को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग कितना प्यार करते हैं अपने मेहमानों से।
अब आप क्या बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज? अरबी गाना दोबारा गाया तुम? नहीं, जापानी संगीत होएगा। जापानी अरबी गाना मैं तेरी पैंट चौके ला जाऊंगा। जुम्मतुल मुबारक। कैसे हो अफ्ताब साहब? मुबारक हो सबको। होटल टेलीफोन ऑपरेटर। ऑपरेटर हूँ? एक कॉल कितने का पड़ा हूँ? मुफ्त भी सभी मिल ऐसा पागल दान दो। मैंने और इसने डिसीजन कर लिया कि हम शादी कर रहे हैं। शादी? हाँ। वेरी नाइस, शादी। लेडीज एंड जेंटलमैन, शादी एक मुकद्दस चीज। मुबारक हो, शादी मुबारक हो, शादी। सुन जोयो ओ छणंग फणंग। हां शादी हूं, पाकिस्तान तेरी फैन में चुप के ले आया हूं। एक्सक्यूज मी प्लीज। आपने शादी का फैसला किया? हाँ जी। अच्छा, क्या यू थिंकिंग के लव मैरिज? मेरे जहन में भी लव मैरिज सबसे अच्छी मैरिज है, क्योंकि ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है, मजहब भी, कि लड़के लड़के एक दूसरे को देखभाल के पसंद करके शादी करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन मेरे ख्याल में अरेंज मैरिज में धोखा है, क्योंकि अरेंज मैरिज में कुछ नहीं पता कि क्या मिलने वाला है। घूंघट उठा के हो सकता है रकम भी डूबी जाए। लव मैरिज में आपको पता है कि क्या मिलने वाला है, आपको तो बहुत सही है। और अमेरिकन हमसे शादी में बहुत आगे निकल गए। अमेरिकन वो कैसे? इनके यहाँ पहले बच्चे होते हैं बाद में शादी। हमारे यहाँ वही पुराना सिस्टम है, शादी होगी तो बच्चे होंगे। ओ माय गॉड, इनका सिस्टम अच्छा है। बच्चे बड़े हो जाते हैं जब माँ बाप की शादी होती है, बच्चे किसी काम आ रहे हैं, कुर्सियाँ लगा रहे हैं, कालीन बिछा रहे हैं। हमारे यहाँ वही बच्चे बड़े हुए माँ बाप को कब्रिस्तान छोड़ा है। मुबारक हो, इनके लिए मैं कहता हूँ गोली के सर पे चढ़के सहरे के अरबी सॉन्ग गाए तुम फेटन प्लीज मुकर्रर जापानी सिंगिंग सॉन्ग अरबियन। अरे इंडियन गाना सबसे अच्छा है। अरबियन बढ़िया है बेटा। अरबियन 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 अरे बढ़िया रे, इंडिया जैसा संगीत पूरी दुनिया में कहीं नहीं रहे। आप बैठिए बर्मा साहब। मिस्टर डेनिस प्लीज हैव सीट। मिस्टर अन्नान बन्नान लतीफ प्लीज हैव सीट। मिस्टर मिस्टर सिंह जी चीफ चंपी। एक्सक्यूज मी, आप कहते हैं इंडियन गाना, वो कहते हैं पाकिस्तान का गाना, वो कहते हैं बांग्लादेश का गाना, वो कहते हैं जापान का गाओ, ये कहते हैं बांग्लादेश का गाओ, ये कहते हैं अरब का गाओ, और ये कहते हैं अमेरिका का गाओ। लेकिन मैं कहता हूँ वी आर नेबर, हम पड़ोसी हैं, इंडिया पाकिस्तान, अरब हमारे पड़ोसी हैं, वी आर ब्रदर्स, बांग्लादेश हमारा भाई है, वी आर नेबर। नेबर पड़ोसी एक दूसरे का हक, क्यों अपने अपनी जबान और अपने अपने गाने गाएं? आओ मिलकर क्यों ना इस दुनिया को फूलों की तरह सजाएं। अमन का गीत गाएं, प्यार का गीत गाएं, दुखों का खुशियों का गाएं, तो एक साथ गाएं, एक साथ जियो और एक साथ मरो, ये कसम खाएं कि एक दूसरे के मुल्क में प्यार बांटेंगे, एक दूसरे की सरहदों पे फूल खिलाएंगे, एक दूसरे को मोहब्बत के परिंदे बनाकर भेजेंगे, एक दूसरे के दिल में धड़केंगे, एक दूसरे की जबान में नजर आएंगे, ऐसा गीत गाएंगे। आओ फिर मिलकर के क्यों ना पाकिस्तान से स्टार्ट लें, सारे मिलकर लेबर एक जंजीर बन जाए। आओ खड़े हो जाए और मिलकर के गाए जीवे 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 पाकिस्तान जीवे।